So I think we are now live. Mm -hmm. How's the idea, Miri? How's the idea, Miri? Bolo, why, Bolo? हेलो 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 एम आई ऑडिबल चैट में दिखाओ यार हाय एम आई टी हाय हेलो हेलो साधना चालू हो गया सत्रो यस टॉक्सिक हाय टॉक्सिक विलियर थॉट्स मनीषा हाय रोहन हेलो हाय प्यारे लाल अच्छा नाम है भाई प्यारे लाल आई एम पी टॉपिक्स ठीक है टेक्स्ट बुक की पी डी एफ है मेरे पास आई एम पी टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको हाय भैया हेलो श्रद्धा आवाज़ नहीं आ रही आपकी आवाज़ आ रही है मेरी हेलो आवाज़ आ रही है मेरी हाय हेलो आदिति नो हेलो हेलो आवाज़ नहीं आ रही यस ब्रो इट्स ऑडिबल ओके एम मजे मत लो ठीक है नो हाँ भाई यस 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 एक मिनट है कनेक्ट कर रहा हूँ येस yes, आ रही है ओके 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 टेंशन हो रहा है भाई अभी भी क्या करें अरे क्यों टेंशन ले रहे हो एक दिन बाकी है सिर्फ एक दिन बाकी है सिर्फ एक दिन बाकी है और आज की लाइव स्ट्रीम लास्ट लाइव होगी ओके और आज की लाइव स्ट्रीम लास्ट लाइव स्ट्रीम होगी आप सभी लोगों के लिए टेंथ बोर्ड एग्जाम्स की यार काफ़ी ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ अपसेटिंग लग रहा है मुझे अपसेट फील कर रहा हूँ मैं आई डोंट नो वाई ऑल मीडियम्स सबके लिए होने वाली है पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है हाँ यस नीलम होता है होता है यस यस होता है ऐसा लग रहा होगा कि यार सिर्फ एक दिन बाकी है कैसे पढ़े कैसे पढ़े ऐसा लग रहा होगा ना आपको भी कि एक दिन ही तो बाकी है होता है वो बस एक दिन भी नहीं बाकी है भाई अब बारह घंटे भी नहीं बाकी है भैया आपको डायलॉग मारो ना जो भी इस, इस साल महाराष्ट्र अच्छा ओके ओके सो हाय एवरीवन कैसा आप सभी लोग वेलकम बैक टू अदर वीडियो आज की लाइव स्ट्रीम उन सभी लोगों के लिए है जो इस साल महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स 2023 दे रहे हैं और आज की लाइव स्ट्रीम लास्ट लाइव स्ट्रीम होने वाली है आप सभी लोगों के लिए बढ़िया एड्स आ रही है छाप आई पी एल यस 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 स्टार्ट ओके गुड इवनिंग भैया हाय ओंकार हाय देखो लाइफ स्ट्रीम की इंपॉर्टेंस मैं आप सभी लोगों को बता दूं पढ़ाई तो हो चुकी है आप सभी को लेकिन पेपर कैसे एग्जीक्यूट करके आना है वो आज आपको बताने वाली है ये लाइफ स्ट्रीम दिस लाइफ स्ट्रीम विल टीच यू वॉट टू डू नाउ देखो आपके जो ऑब्जेक्टिवस आ... रहेंगे ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन रहेंगे आपको उन सबको प्रैक्टिस करना है अपने पी आई क्यू से पी आई क्यू सबसे बेस्ट है ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करने के लिए फोड़ेंगे नहीं हुई पढ़ाई क्या बात कर रहे हो क्या ही बात कर रहे हो एक साल क्या किया फिर एक साल क्या किया आई एम बिग फैन थैंक यू जेतीश थैंक यू थैंक यू भैया मेरा नाम सुशांत है हाय सुशांत ओके अच्छी बात है देखो आपको प्रैक्टिस करना है ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन को आपके पी क्यूज से ठीक है अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक चीज़ बोलेंगे कि भैया पी से तो आते ही नहीं है देखो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस डिफिकल्टी लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ज़्यादा टेंशन लो मत एकदम सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एकदम सिंपल क्वेश्चंस आते हैं ठीक है अब देखो गो थ्रू मैप्स चार्ट्स डायग्राम्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो सबसे बेस्ट है मैप्स को देखने के लिए चार्ट्स को देखने के लिए और डायग्राम्स को देखने के लिए अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक चीज़ बोलेंगे एक मिनट हाँ अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक चीज बोलेंगे भैया मैप्स की मार्किंग इंपॉर्टेंट मैप मार्किंग बता दो भाई ऑलरेडी प्ले बन चुकी है आपके इंडिया के लिए ब्राज़ील के लिए वन शॉट वो भी वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड टेंशन फ्री हो गए हाँ यस ओके टेंशन फ्री हो गए एक एक दिन की बात है सिर्फ एक दिन भी नहीं बचा है कल से मिस करूँगा क्यों क्यों मिस करना है टेंथ के आदमी कंटेंट आएंगे भाई मैं कोई वो थोड़ी हूँ टीचर थोड़ी हूँ ए, क्या बोलते हैं कोई डॉक्टर ने थोड़ी कि सिर्फ टेंथ को पढ़ेंगे बाद में भी बहुत कुछ आने वाला है बहुत कुछ आने वाला है ए ब्रो तेरा अकाउंट हैक कर दूंगा <laughs> ओके करो करो अभी बिंदास बिंदास करो यस कल भी लाइव आना यस डेफिनेटली यस 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 ट्वेंटी फोर आवर्स से भी कम बाकी है वही तो बात है ना ट्वेंटी फ़ोर आवर्स से भी कम बाकी है और कल आपके लिए बहुत ज़्यादा अलग ही टाइप की वीडियो आएगी सब कुछ है उसके अंदर कल कल से आओ ठीक है लास्ट मिनट और देखो गो थ्रू मैप्स आपको मैप्स से गो थ्रू जाना है एक बार मैप्स को रिवाइज करना है स्पेशली चैप्टर नंबर थ्री फाइव एट नाइन स्पेशली इनको करना है बाकी तो करना ही है बट स्पेशली आपको इनको कर चैप्टर वन ड्रॉप किया तो नहीं चैप्टर वन ड्रॉप ड्रॉप नहीं है सिर्फ दो तीन क्वेश्चन है जो कि आप लर्न करके जाओ हो जाएगा आपका हाय भैया हेलो हेलो विजय यस येस यस यस भाई सुनो ऑब्जेक्टिव्स के ये क्वेश्चन लिखना होता है क्या क्योंकि ऐसे स्टीम ऑप्शन लिख के आए हो मेरे फ्रेंड्स लोग बोल रहे थे कि रॉन्ग जाएगा नहीं ऐसा नहीं है नहीं है डायरेक्टली आंसर लिखो बट जहाँ पे लिखा हुआ है रीराइट द क्वेश्चन आपको रीराइट करना होगा यस भैया वन मार्क कहाँ गया ओके आ देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट है, है एक क्वेश्चन है कि भैया आपका वन मार्क कहाँ पर गया थर्टी नाइन मार्क्स आए एक मार्क्स कहाँ पे गया लाइव स्ट्रीम के बाद में बताऊँगा ओके लाइफ स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम के बीच में बताऊँगा बीच में बताऊँगा कहीं पर भी बता सकता हूँ मैं देख देखते रहना वहीं पे पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स अब आप देखो आपका जो एस एस का पेपर है जोग्राफी का पेपर है वो हिस्ट्री से डिफ, डिफरेंट होता है क्यों क्योंकि मैप्स भी आ चुके हैं मैप्स के अंदर आपको क्वेश्चन को आंसर भी लिखना होगा वो भी आ चुका है मैप्स इंपॉर्टेंट है सबसे पहला पॉइंट रहेगा मेक श्योर एवरी वर्ड इज़ अंडरस्टैंडेबल हर एक वर्ड जो भी आप लिखोगे वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए वहीं पे अवॉइड स्क्रिबलिंग और ओवर जितना हो सके उतना ओवर को अवॉइड करना है राइट आंसर इन पॉइंट वाइज आपको आंसर को हमेशा पॉइंट वाइज ही लिखना है गलती से भी पैराग्राफ फॉर्म में मत लिख देना ओके okay. गलती से पैराग्राफ फॉर्म में मत लिख देना वहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक चीज़ पूछ रहे थे कि भैया डिफ्रेंसिएशन कैसे लिखना है देखो सिम अगर आ गया कि सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज़ आपको कैसे लिखना है उनको देखो आप चार चार्ट बनाओ ए, पेपर को दो, दो पार्ट्स में डिवाइड करो एक पार्ट में समझ गए ना आप लोग कंपेरेटिव स्टडी आई तो एक साइड में ब्राज़ील एक साइड में इंडिया और आप उसमें कंपेयर कर सकते हो आप सुशांत भाई एलेवेंथ के बेस पर लेक्चर होंगे ना देखते हैं देखते हैं देखते हैं नहीं मैं एनी में नहीं देखता हूँ मैं एनी में नहीं देखता हूँ एवरी पॉइंट ऑन अ न्यू लाइन जो जो कि बहुत सिंपल बात है आपको पता ही होंगी वो सारी अंडरलाइन द कीवर्ड्स की वर्ड्स आपको अंडरलाइन करना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई पे हाउ टू लर्न बिग आंसर्स अब बहुत कम टाइम बाकी है बट फिर भी आप देख लो अगर आपको कोई आंसर लर्न नहीं हो रहा है फिर कैसे करना है आपको सबसे पहले समझ लो उसको उसके बाद में उसको पॉइंट्स उस में ब्रेक करो कोई एक पैराग्राफ का है दस लाइन का आंसर है उसको दो दो पॉइंट्स में डिवाइड करके पांच पांच पार्ट्स में डिवाइड करो अंडरस्टैंड चैप्टर वाइज अब ये जो एक पॉइंट है ये अलग पॉइंट है जो कि मैंने आज वीडियो में बताया था वीडियो किस किसने देखी आज की आज दोपहर में जो वीडियो आई थी वो किस, -किस ने देखी क्या बताया था मैंने उसके अंदर ब्रो जी है क्या नो no. जी एफ का से आएगी चैनल चैनल मोनिटाइज हुआ क्या ये सो चुका है हाय 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 देखो बिलियन थाउट बात ऐसी है आपके लिए वो सिंपल होगा बट बहुत सारे लोगों को हार्ड जाता है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड जाता है वो आई एम पी बताया था यस यस एम सी पी क्वेश्चन भैया भाई ऑब्जेक्टिव्स रॉन्ग हो गए साइंस के कोई बात नहीं अब अब मत टेंशन लो अब मत टेंशन लो अब मत टेंशन लो मैं दो बार है पे <laughs> क्या 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 कर रहे हो भाई तुम भी अंडरस्टैंड चैप्टर वाइज क्या है क्या क्या बोला मैं आपको रिमेंबर द कीवर्ड्स आपको कीवर्ड्स को याद रखना होगा आप कीवर्ड्स क्या होते हैं वो ऑलरेडी बताए मैंने ऑलरेडी कीवर्ड्स बताए की होते क्या है सरप्राइज देखो सरप्राइज कल के वीडियो में मालूम पड़ जाएगा ओके okay? मैंने क्या मैंने एक्टिव रिकॉलिंग इज द बेस्ट आपने आप जो भी सीख रहे हो एक्टिवली रिकॉल करते रहो समझो आपको आपने ब्राजील के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिमेंबर किया फिर आपको करना क्या है अब देखो मैं आपको आंसर राइटिंग की ट्रिक बताता हूँ चार मार्क्स वाले जिन्होंने भी आज की वीडियो को स्किप कर दिया होगा या फिर देखा नहीं होगा आपको करना क्या है समझो चार मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसके अंदर ऐसे पूछ लिया कि राइट एनी राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राज़ील फिर क्या लिखोगे आप आप लोग बताओ आप लोग क्या लिखोगे हिस्ट्री से तो ईजी है जोग्राफी येस क्या लिखोगे आप देखो अगर मैं आपको बताऊँ समझो अगर मुझसे पूछ लिया होता कि राइट राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राज़ील मैं क्या लिख के आता मैं लिख के आता सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर टू के ऊपर जाता कि ब्राजील का लोकेशन क्या है फिर मैं लिखता कि वो कौन से लोकेशन में आता है कौन से हेमिसफेयर में आता है कौन से कॉन्टिनेंट में आता है फिर मैं चैप्टर नंबर थ्री पे जाता देट इज़ फिजियोग्राफी और ड्रेनेज फिजियोग्राफी के अंदर मैं उसका ग्रेट एस्कापमेंट या फिर हाईलैंड ये सारे पॉइंट्स को ऐड करता उसके बाद में उसके बाद में मैं उसके रिवर्स के बारे में बात करता एमेजन रिवर के ऊपर मैं एक दो पॉइंट्स लिख देता फिर मैं चैप्टर नंबर फोर पे जाता क्लाइमेट क्लाइमेट के अंदर ब्राज़ील का क्लाइमेट कैसा है इक्वेटर के पास कैसा है इक्वेटर से दूर जाके कैसा हो जाता है फिर मैं चैप्टर नंबर फाइव पे जाता चैप्टर नंबर फाइव आपका जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका फॉरेस्ट टाइप कैसा है ब्राज़ील का इस तरह से आप आठ आठ क्या आप तो दस बारह पॉइंट्स भी लिख के आ सकते हो यही ट्रिक को यूज़ करो ब्राज़ील का लोकेशन फिजियोग्राफी एक्सेट्रा हाँ येस यही ये करना है आपको यही ये करना है आपको यस यही करना है आपको भैया मराठी में पचास मार्क्स लिखा है कोई बात नहीं भैया मैंने सारे चैप्टर्स रीड करिए करके समझ और सॉल्व भी क्या है मैप सॉल्व किया ग्राफ भी हो गए थैंक यू सो मच भैया अब क्या करूँ बताओ जल्दी वापस रिवाइज करो वापस रिवाइज करो पूछो भाई वो नहीं दिख रहे मुझे मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं मैं मैंने हिस्ट्री में फिलिंग द ब्लैंक्स में ऑप्शन लिखा है पता नहीं यार अब देखो आप हिस्ट्री के टेंशन मत लो आपका कल लास्ट पेपर है ऐसे रोने वाली इमोजिश मत डालो रोने वाली इमोजिश मत डालो भाई मैप्स में इंडिया क्या आएगा क्या ब्राज़ील वो देखो वो अपने हाथ में नहीं हो वो लोग ब्राज़ील का भी पूछ सकते हैं इंडिया का भी पूछ सकते हैं लेकिन उसका ऐसा होता है ज़्यादातर अगर ब्राज़ील को मैप मार्किंग के लिए आया तो मैप प्लॉट मैप रीड करने के लिए इंडिया पूछ लेंगे वो लोग hmm. हिस्ट्री एजी है जियो मेरे साथ देखो सबके लिए अलग अलग है बट अगर मेरे से पूछे जाए तो जोग्राफी ज़्यादा सिंपल होता है हिस्ट्री से हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है जोग्राफी के अंदर आप सिंपली समझ के जा रहे हो लिख के आ जाओगे थैंक यू भैया वेलकम बाई वन वर्ड्स लिखेंगे तो चलेगा क्या येस डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट राइटिंग इमिडिएटली कल आपको पेपर मिलेगा तुरंत लिखना चालू कर दो कीप योर राइटिंग फास्ट अपने अपने हैंड राइटिंग को आपको फास्ट रखना है तभी जाके आप पूरे पेपर को लिख पाओगे जो लास्ट का एट मार्क्स वाला क्वेश्चन है तभी आप लिख क्या पाओगे जब आपने स्टार्टिंग में अच्छे से लिखा होगा नहीं तो नहीं लिख क्या पाओगे उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है फिर स्टूडेंट्स को बाई शॉर्ट नोट्स आते हैं क्या या देखो ज़्यादातर तो नहीं पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट्स हाय हेलो हेलो सिद्धि मैप रीडिंग करके आंसर कैसे लिखे हैं यार सिंपल है वो देखो मैं बता देता हूँ टेक्स्ट बुक भी खोलेंगे अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी खोलेंगे वो अपन डोंट फॉरगेट अबाउट मैप्स मैप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे टेन मार्क्स के लिए आते हैं फोर्टी मार्क्स का तो पेपर ही है उसमें से टेन मार्क्स के लिए चार मार्क्स के लिए तो उसमें से टेन मार्क्स के लिए मैप मैप के रिलेटेड आएंगे उसमें से भी फोर मार्क्स के लिए मैप मार्किंग आएगा सिक्स मार्क्स के लिए ग्राफ ऑब्जर्वेशन या फिर मैप ऑब्जर्वेशन इस तरह से पूछा जाएगा भैया इंडेक्स पेन से या पेंसिल से देखो इंडेक्स हाँ ठीक है ठीक है किस किस को लगता है कि आपको इंडेक्स बनाना पड़ता है देखो मैं आपको बोलूँ आपको इंडेक्स आपको क्या लगता है आपको इंडेक्स राइट में बनाना है लेफ्ट में बनाना है ऊपर बनाना है या फिर नीचे बनाना है मैं बोलूँ बनाना ही नहीं पड़ता है ऑलरेडी बना हुआ आता है आपके जोग्राफी के एग्ज़ाम के लिए इंडेक्स ऑलरेडी बना हुआ आता है मैप के नीचे आपको सिर्फ उसको फिल करना होगा इग्नोर मत करो नहीं गौतम हूँ नहीं इग्नोर कर रहा हूँ पूछो तो सही एम क्या कर रहे हैं तुम लोग आपस में लगे रहते हो ओके ब्रीफ और डिटेल्ड आंसर्स को जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले उन्हें लिख लो समझो आपको ब्रीफ क्वेश्चन में चार क्वेश्चन आते हैं आपको दो लिखने हैं उसमें से आपको सिर्फ एक लिखा हुआ आ रहा है फिर क्या करोगे आप ऐसा नहीं कि उसके ऊपर ही पूरा टाइम वेस्ट करना है आपको समझो आपको नहीं आ रहा है आपको करना क्या है उसके लिए जगह छोड़ो एक पेज छोड़ दो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू कर दो उस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा भाई नहीं तो आपका अटक जाओगे आप आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो देखो अभी तो बिजनेस मैन का ही है साथ के साथ कंटेंट क्रिएशन भी चालू है आप सभी लोगों के लिए ये कि स्टडी करते हो क्या नो आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड आई एम फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड ओके इलेवेंथ वे हो क्या येस मैं अभी इलेवंथ में हूँ सॉन्द ब्रदर हाई भाई इंडेक्स फिल कैसे करें पेन Pen और पेंसिल हाँ देखो उसका एक डाउट है उसका एक डाउट है मेरे को खुद को भी याद नहीं आ रहा है बट मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कंफर्म करता हूँ फिर मैं बता दूंगा ज़्यादातर तो पेन पेन था कि पेंसिल में को खुद को भी याद नहीं आ रहा है वो ओके नास क्या है नासिक से सुनगा कब आओगे मुझे मिलना है भैया आपको आप आ जाओ आप आ जाओ नासिक क्या दिक्कत है देखो लास्ट मोमेंट टिप्स ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ते रहो अच्छे से नींद लो तभी जाके आपको सब कुछ याद होगा वहीं पे ऑब्जेक्टिव में गलती मत करना आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं मैप रीडिंग है टोटल ट्वेंटी सिक्स मार्क्स लिए आएगा उसके अंदर आपको गलती नहीं करनी है और पैनिक मत हो भाई जोग्राफी एकदम सिंपल सिंपल आता है सिर्फ नाइन चैप्टर्स हैं उनमें से भी ईजी चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर वन टू फाइव सिक्स फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये जो चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर्स हैं टेंथ में कितने परसेंटेज थे टेंथ एस एस टी में कितने परसेंट एस एस टी में कितना स्कोर किया था नाइन्टी सेवन नाइन्टी सेवन नाइन्टी सेवन लागे कॉमर्स यस डेफिनेटली क्यों नहीं जय श्री राम ओके मैच द फॉलोइंग आएगा क्या आ सकता है आ सकता है डोंट पैनिक भाई आपने कॉमर्स लिया है या साइंस कॉमर्स 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 आएगा भाई आपके एक बार टेंथ बोर्ड एग्जाम हो जाए फिर साइंस कॉमर्स आर्ट्स क्या लेना है उसके ऊपर भी वीडियो आएगी और आपको छुट्टियों में वैकेशन के अंदर कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना है या फिर वेकेशन के अंदर कौन से पॉइंट्स को फॉलो करना है उसके ऊपर भी वीडियो आएगी कल एक स्पेशल वीडियो आएगी जो कि आपको मिल जाएगी क्यों कॉमर्स आई बिलोंग टू अ बिजनेस बैकग्राउंड ओके आई बिलोंग टू अजनस बैकग्राउंड थैंक्स वेर वेलकम गुजरात और राजस्थान कहाँ से हो राजस्थान राजस्थान अच्छा पहले ही समझ गया पहले ही समझ गया टमोरो मॉर्निंग कल सुबह क्या करना है रिवाइज द मैप्स मैप्स को रिवाइज करो तभी जाके आपको सब कुछ याद होगा कि भाई कौन सी जगह कहाँ पे है ब्राजील के अंदर कौन सी जगह कहाँ पे है और आपको स्टेट्स को भी याद रखना है समझो लोग पॉपुलेशन के रिलेटेड क्या पूछेंगे पॉपुलेशन के रिलेटेड क्या पूछेंगे विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया बताओ आप लोग विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया बताओ नहीं है स्टोरेज फुल है कम्युनिटी पोस्ट डाल देना भैया ओके ओके जय श्री राम ओके okay. जय श्री राम यूपी यस यूपी आ गया आंसर यूपी आ गया है ए सोनम वो मोस्ट अर्बनाइज्ड है ओके गोवा मोस्ट अर्बनाइज्ड है यूपी मोस्ट पॉपुलेटेड है फिर लार्जेस्ट बता दो एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है यूपी यस यूपी इज द करेक्ट आंसर यूपी इज द करेक्ट आंसर राजस्थान यूपी हाँ यस राजस्थान राजस्थान है फिर सबसे छोटा सबसे छोटा कौन सा है एरिया वाइज सबसे छोटा वाला कौन सा है ठीक है हम लोग आपके इंपॉर्टेंट आपका जो इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं टेक्स्ट बुक आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली टेक्स्ट बुक है उसको भी मैं ओपन करने वाला हूँ अब गोवा गोवा ओके ओके ठीक है ठीक है इससे ज़्यादा हम लोग टेक्स्ट बुक खोल के पूछेंगे अभी टुमारो मॉर्निंग आपको करना क्या है रिवाइज द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज के भी कर सकते हो आपके जो नोट्स वगैरह होंगे आप वो भी कर सकते हो और टेंथ परसेंटेज नाइन्टी परसेंट कौन सा बिजनेस है इट इज़ अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समझ जाओ वी विल मिस यू ब्रो वाय वा क्यों मैं कहा जा रहा हूँ आप लोग कहाँ पे जा रहे हो चैनल यहाँ पे यूट्यूब यहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ नेट यहाँ पे क्या दिक्कत है और हाँ मैं एक नया चैनल बना रहा हूँ ओके नया चैनल बन चुका है ऑलरेडी इनफैक्ट नया चैनल बन चुका है आप सभी लोगों के लिए अब आप सब सस्पेंस में रहो कि कौन सा चैनल है किस टाइप के वीडियोज आएंगे क्या आने वाला है सस्पेंस में रहो पता चल जाएगा आने वाले टाइम पे ए मैप रीडिंग करके आंसर्स लिख कैसे लिखे हैं बता दूंगा अभी टेक्स्ट बुक के बारे में लिखेंगे ना तब लिख दूंगा मैं नाम क्या है सावन ठीक है ऑब्जेक्टिव अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर आते हैं ऑल द बेस्ट गाइस देख अभी बंद नहीं कर रहा हूं मैं बंद नहीं कर रहा हूँ सिर्फ दो मिनट के लिए सिर्फ दो मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ सिर्फ दो मिनट के लिए लाइव स्ट्रीम को मैं पॉज कर रहा हूँ यस 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 हम लोग आ चुके हैं हम लोग आ चुके हैं डेक एंड का मैं प्लॉटिंग करके दिखाओ प्लीज़ भैया ओके ओके अब आपका जो भी डाउट होगा वो सब मैं आपको लेने वाला हूँ आपके सारे डाउट्स लेने वाला हूँ वन सेकेंड अरे यार गूगल भी ना एक सेकेंड हाँ ओके नाचो नाचो भाई ए न्यू चैनल गेमिंग का नो मत जाओ थोड़ी देर हाँ अरे अभी नहीं जा रहा हूँ मैं नहीं जा रहा हूँ अभी नहीं जा रहा हूँ मैं अभी तो आपके डाउट्स लूँगा डाउट्स क्या है आपके अब देखो चैप्टर नंबर वन फील्ड विजिट जिस कार्य मेरे हमें हमें भी ले लेना ले आपके पास बिजनेस में ये डेफिनेटली और आप में से कोई एक ऐसा है क्या जिसको कोडिंग या फिर ऐप डेवलपमेंट उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मेरे को मैसेज कर देना मेरे को मैसेज कर देना मे बी अब ब्लॉग चैनल गूगल हिस्ट्री दिखाओ हाउ टू प्लॉट मैप्स ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है व्लॉगिंग चालू कर रहे हो क्या ऋतु काइंड ऑफ यार देखो अगर आप बोलोगे तो सब कुछ हो जाएगा आप बोलोगे तो हो जाएगा देखना है क्या अ डे इन लाइफ ऑफ कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज व्लॉग देखना है क्या फील्ड विजिट देखो सबसे पहले बात करते हैं फील्ड विजिट की नीट एंड कंप्लीट यस मुझे बताओ ना ब्लॉग चैनल नो हाय बताओ ना ब्लॉग चैनल uh, बना देंगे क्या दिक्कत है देखो अगर मैं बताता हूँ बाद में बाद अभी अभी तो शुरुआत है अभी तो बहुत कुछ आएगी मी टू टू थ्री मंथ्स ठीक है कल एक स्पेशल वीडियो आ जाएगी इसके अंदर आपको ये जो दो क्वेश्चंस हैं इनको एकदम अच्छे से करके जाना है बहुत सारे स्टूडेंट्स एक चीज़ थे कि भैया इसको चैप्टर वन को स्किप करना है क्या देखो इसमें से वो लोग पूछ सकते हैं उनका मन हुआ पूछ लेंगे वो लोग यस मुझे साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब भी अब भी इस टाइम पे कोई कोडिंग या फिर ऐप डेवलपमेंट कर रहा है क्या मेरे से कांटेक्ट करो क्रैक्स स्मार्टली के लिए मैं सोच रहा हूँ क्रैक्स स्मार्टली के लिए सोच रहा हूँ आपके एग्जाम कब है कल कल मेरी एग्ज़ाम है <laughs> कल मेरी एग्ज़ाम है यस गाइस कल मेरी एग्जाम है कल आपका लास्ट पेपर है मेरा फर्स्ट पेपर है कल जब आप पेपर दे आओगे मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ एके देन चालू कर दो अभी नहीं आई में जाकर ओके आईआईटी में जाकर कर दो आईआईटी में तब तक तो ठीक है समझ रहे हो ना बहुत आगे जाएंगे ठीक है चैप्टर नंबर टू अब देखो इसके अंदर ये दोनों आपको अच्छे से करके जाना है इंडिया और ब्राज़ील के जो हाईलाइट्स हैं इनको अच्छे से समझ के जाना है और इंडिया का मैप तो पता है ना आपको कैसा दिखता है ब्राज़ील का ऐसा है अभी तो मैं स्ट्रीम देख रहा हूँ देख रही हूँ ओके मुझे आता है वेबसाइट बनाना ठीक है कांटेक्ट करो टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो दो साल अभी से स्ट्रीम देख रहा हूँ अभी तो मैं स्ट्रीम देख रहा हूँ हाँ ठीक है बाद में कर देना है क्या दिक्कत है दो साल सिर्फ ओके 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 आप देखो ये जो मैप है इसमें से क्या पूछेंगे वो लोग मैं दिखाता हूँ आपको हाँ इसके अंदर से आप दिल्ली दिल्ली कहाँ पे है वो समझ के जाओ दिल्ली कहाँ पर दिख रहा है ना आपको प्रो मुझे वेब पेज बनाना आता है पढ़ लो स्टडी विथ मी पढ़ लो फिर स्टडी विथ मी यस ठीक है दिल्ली कहाँ पे है आपको वहाँ पे मार्क करना है वहीं पे स्टेट्स के नाम याद रखना स्टेट के नाम इंपॉर्टेंट है अब देखो वो लोग क्या पूछेंगे कि अब वो लोग एग्जाम के अंदर किस तरह से पूछ सकते हैं वो लोग पूछेंगे कि विच इज़ द मोस्ट लार्जेस्ट एरिया वाइज स्टेट राजस्थान वही पे मोस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश फिर वो लोग वहीं पर एक और चीज़ पूछ लेंगे विच इज़ द लीस्ट पॉपुलस स्टेट बताओ लीस्ट पॉपुलेश स्टेट भाई पॉलिटिकल या फिजिकल आएगा पॉलिटिकल वो देखो मैं आप मेरे को उसका डिफ्रेंशिएशन तो नहीं पता बट आपको जो आता है ना ये स्टेट वाइज की जो लाइन है स्टेट की बॉर्डर वो आती है एग्जाम के अंदर गोवा अब यूपी लीस्ट लीस्ट पॉपुलर स्टेट यूट्यूब पे देखो भाई बहुत इजी है वेबसाइट बनाना हाथ भाई उतना टाइम नहीं रहता है ना वही तो आता है इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ टाइम नहीं रहता है एंड इट इज दिस इज द लास्ट लाइव स्ट्रीम फॉर यू ऑल फॉर बोर्ड एग्जाम उसके बाद में तो करेंगे ही कल भी आएंगे कल आ सकते हूं मैं मेघालय सिक्किम ओके आई कोडिंग एंड आई डेवलपिंग ठीक है द अपॉर्चुनिटीज हियर द अपॉर्चुनिटीज हियर फॉर यू ऑल ओके आपको इस तरह से नेम्स को याद रखना है जो कि आपको याद भी हो गए होंगे कैपिटल नेम द कैपिटल ऑफ ब्राजील ब्राजीलिया और ब्राज़ील का फुल नेम ये है फेडर, फेडरेटिव रिपब्लिक ब्राज़ील ओके सैलरी सैलरी <laughs> सैलरी मिल जाएगी सैलरी मिल जाएगी एलेवंथ की मैप का डर लग रहा है क्वेश्चन नंबर फोर ए का डर लग रहा है सुहानी बिल्कुल भी मंडर हो ऑलरेडी प्ले बन चुकी है ऐड करूँ क्या मैं प्ले को एक सेकेंड मैं आपके चैट्स नहीं देख रहा हूँ प्लेलिस्ट को मैं ऐड करता हूँ इसके अंदर एक सेकेंड ओनली वन सेकेंड का इज मैं चैट्स चलो ठीक है चैट्स यहाँ पे चालू कर देता हूँ आना है ब्रू जय शिवाजी जय शिवाजी हाउ मच डू यू वन ऐसे तो नहीं बता सकता हूँ बट यू कैन से बींग अ सिक्सटीन ईयर ओल्ड बींग अस्टीन ईयर ओल्ड इट इज फोर टू फाइव फिगर्स फोर टू फाइव फिगर्स इसका मैं नहीं बताऊंगा इसका आगे मैं नहीं बताऊंगा फोर टू फाइव फिगर्स है इसका आगे मैं नहीं बताऊंगा अस्सी हजारीजन का क्या करें एक सेकेंड आपके लिए कुछ करूं एक सेकेंड लग गया एक सेकेंड देखा आपकी प्ले लिस्ट है प्ले लिस्ट इसके लिए मैप मार्किंग के लिए मैप मार्किंग के लिए मैप मार्किंग के लिए ए हंड्रेड थाउजेंड टू टेन थाउजेंड भाई पढ़ाई नहीं हुई है पास हो जाऊंगा ना यस हो जाओगे डेफिनेटली हो जाओगे सात करोड़ नहीं सात करोड़ नहीं है हो जाएगी आने वाले टाइम में तो होगी भाई आपको याद है क्या दो सौ सब्सक्राइबर्स से फॉलो कर रहा हूँ प्रथमेश नाम है ये ज्योति याद है मुझे मैंने उस दिन ज्योति नाम लिया था आपने बताया था क्या ये आपकी मम्मी का नेम है याद है मुझे याद है याद है सिक्सटी नाइन थाउजेंड नो इट्स नॉट सिक्सटी नाइन थाउजेंड इस और देखो ये ये इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया ठीक है ये आई एम पी ए कौन सी स्ट्रीम चूज करूँ भैया आ जाएगी वीडियो उसके लिए वीडियो आएगी पेपर मस्त जाएगा यस डेफिनेटली मस्त जाएगा एंड येस रिमेंबर माई एज आई एम जस्ट सिक्सटीन ईयर ओल्ड और जब आप लिख रहे हो उससे उस उसके आस पास, उसके पास, पास है आर पार दो, आ, एड़ पार दो भैया भैया यार क्या ही बोलूँ अपने आप लोगों को क्या ही बोलूँ ठीक है फिर बताओ इसका आंसर बताओ आर द सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग री राइट री राइट द रोंग वंस ब्राजील इज लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर बताओ भाई तुम लोग मत हजाओ मुझे गिव रीजन आई एम पीस ऑलरेडी दिए हैं परीक्षित परीक्षित ऑलरेडी दिए हैं आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो आपको मिल जाएगा रॉन्ग राइट है वो राइट है रॉन्ग किसने लिखा चलो फिर मैं सो जाता हूँ कल दो एम कूटूंगा बाय गुड नाइट <laughs> राइट यस इट इज राइट राइट है वो देखो आपका इक्वेटर है आपका इक्वेटर है ब्राजील थोड़ा सा अरे यार मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ देख लो भाई देख लो ये आपका इक्वेटर है इक्वेटर इसमें शायद नहीं है बट मेनली ब्राज़ील सदर्न हेमस्फेयर में मेनली सदर्न हेमिसफेयर में है और देखो अगर मैं आपको मेरी बात बताऊँ मेरा जोग्राफी इतना क्लियर था कि मेरे को कोई रात को नींद में से उठा उठा के भी पूछ लेगा ना अभी भी मैं जवाब दे दूंगा आज से एक साल पहले का मैंने जो भी पढ़ा था मैं अभी भी जवाब दे दूंगा उसका आपका बर्थडेट कब है और सुनो एक 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 सेकेंड अपन इससे स्टोरी से दूर लाइव स्ट्रीम से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं आप येस या फिर नो डालना आप लोग बोर्ड एग्जाम होने के बाद में इंस्टाग्राम यूज करोगे क्या इंस्टाग्राम यूज करोगे क्या यस या फिर नो यस या फिर नो का कुछ काम का नहीं है <laughs> यस क्योंकि देखो मैं सोच रहा हूं कि मेरा एक पब्लिक अकाउंट बनाऊं आप सब लोगों के लिए आप सब लोगों के लिए एक पब्लिक अकाउंट जहाँ पे आप सब ऐड ऐड हो सकते हो मुझे यस 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 मेरे को यस बहुत ज़्यादा दिख रहा है ठीक है फिर आज मैं बना दूंगा कल मैं लिंक डाल दूँगा आप जाके ज्वाइन कर सकते हो क्या है नया नया मैं जैप यूज़ नहीं करता ओके बहुत अच्छी बात है फिर तो डन ओके वैकेशन का क्या प्लान है देखो आप लोगों का है मेरा तो वैकेशन है नहीं और देखो यार वैकेशन के लिए वैकेशन का अगर मैं आपको अब भी बताऊँ कल वीडियो आने वाली है वैकेशन के ऊपर हिमालयास का शॉर्ट नोट बोलो हाँ देखो हिमालयास का शॉर्ट नोट बोलो ओके अब भी पूछा है किसी ने तो भी हिमालयास तीन पार्ट में डिवाइडेड है देखो मैं अगर आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करूँ साथ के साथ हिमालयास का मैं अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ए और हिमालयास का आई एम पी भी है आई एम पी भी है आई एम पी भी है ठीक है हिमालयास का शॉर्ट नोट द हिमालयास इज अब आप फर्स्ट पॉइंट में ये लिख देना इज़ द वन ऑफ द मोस्ट यंग यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड ओके भाई मुझे रुको रुको एक किसने तो बहुत बड़ा आंसर डाले भाई मुझे नहीं आता मैप्स के नाम और स्टेट भी याद नहीं होता है भाई भाई मैंने वीडियो बना दी है जाके देखो वीडियो बन चुकी है जाके देखो एक ग्रुप बनाओ इंस्टाग्राम में बना देंगे भाई एक मिनट भाई भैया एक मिनट आपको हंसाता हूँ हंसाओ ठीक है फिर दि मालाज इज़ वन ऑफ द यंगफुल माउंटेन्स इन द वर्ल्ड अब देखो आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हो शॉर्ट नोट आया ना तीन मार्क्स के लिए आएगा अगर वो लोग पूछेंगे तो तीन मार्क्स के लिए पूछेंगे दिमाज एक्सटेंड फ्रॉम पमीर नॉट इन तजाकिस्तान टू द ईस्ट ठीक है इट इज अ मेजर और देखो मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट इनको आपको याद रखना है सिंपल है सिंपल है इनको आपको याद रखना है और फिर इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में भी मतलब किया जाना बट हाँ देखो ये भी काम पी है दिमालय इज नॉट अ सिंगल राउंटेन रेंज देर आर मेनी पैरल रेंजेस इन द सदर मोस्ट इज नोन एज शिवालिक्स सदर मोस्ट हिमालय का इज़ नोन एज शिवालिक्स सर कौन सा मैप आ सकता है प्रिडिक्शन करूँ क्या चलो वाइल्ड गैस एकदम वाइल्ड गैस अगर मैं बोलूँ इंडिया पूछ सकते हैं वो लोग नहीं यार लास्ट टाइम तो इंडिया आया था ब्राज़ील पूछेंगे वो लोग ब्राज़ील ब्राज़ील आएगा कल वाइल्ड गैस है डोंट कोट मी ऑन दिस बट ब्राज़ील आएगा कल देखो वाइल्ड गैस एकदम डोंट कोट मी ऑन दिस नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है अब देखो आप ये चीज इस तरह से याद कर सकते हो इंडिया का फिजोग्राफी पांच इसमें डिवाइडेड है द हिमालयस नॉर्थ इंडियन प्लेस पेनिनसुला कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड ग्रुप्स और देखो अगर मैं आपको अब भी एक्सप्लेन कर दू हाँ ये है आपका मैप हंसो भैया एक काम करो हंसो ओके आज देता हूँ ठीक है अब देखो आपका फिजियोग्राफी पाँच इसमें डिवाइडेड है आपका साथ के साथ रिविज़न चल रहा है ठीक है चैप्टर नंबर थ्री पूरा रिवाइज कर देता करवा देता हूँ चैप्टर नंबर थ्री पूरा रिवाइज करवा देता हूँ आपका जो फिजियोग्राफी है इंडिया का वो पाँच इसमें डिवाइडेड है सबसे पहला है हिमालयास उसके बाद में पेनिनसुला अब पेनिनसुला कौन सा है पेनिनसुला है ये वाला रीजन ये वाला रीजन आपका पेनिनसुला का रिविजन है वहीं पे नॉर्थ इंडियन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कौन से कौन से नॉर्थ इंडियन प्लेन्स यहाँ से चालू होते हैं राजस्थान से चालू होते हैं और वो यहाँ तक जाते हैं ओके यहाँ तक जाते हैं वो आसाम तक जाते हैं इस तरह से आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है कोस्टल प्लेस कौन से हैं कोस्टल प्लेन वह सेंट्रिल क्या होता है काम होता है क्या मैं तो नहीं लेके गया था उसके बिना भी काम चल जाएगा कोस्टल रीजन ये वाले आपके कोस्टल रीजन ये वाला है कोस्टल रीजन ये वाला है ओके okay. चलो फिर लास्ट वाला आप लोग बताओ अब थैंक यू थैंक यू शॉर्ट नाट एक्सप्लेन करो हो चुका है लास्ट वाला आप लोग बताओ मैं चार मार्क कर दिया है फिफ्थ वाला आप लोग बताओ स्ट्रीमी पी पे क्यों नहीं है यार वो पता नहीं मुझे मेरे को भी आइडिया नहीं है पांचवा वाला बताओ पांच इसमें डिवाइडेड है ना मैंने चार लिख दिए हैं हिमालयास नॉर्थ इंडियन प्लेस पेनिनसुला और कोस्टल रीजन पांचवा वाला बताओ आईलैंड यस yes. किसने दिया है बनी ने आंसर दिया है आईलैंड ये वाले और ये वाले आईलैंड इस तरह से आपका चैप्टर का ये ये वो है इसके अंदर हिमालयस का आपका क्या लिखना है कि यहाँ से चालू होते हैं यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है, फोल है. एशिया के कॉन्टिनेंट के अंदर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ज़्यादातर यहाँ पे ये डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स यहाँ पे हैं गंगा रिवर यहाँ से बहती है उस वजह से ब्रो भैया तजाकिस्तान के तजाकिस्तान के अब्दू क्या था के बदले अब्दू रोजी लेके लिखे तो चलेगा क्या <laughs> नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा अब्दुल रोजी कैसे क्या चलेगा तुम बताओ मुझे मजाक कर रहे हो मेरे को ही पता है ब्राजील ब्राजील का द हाईलैंड ग्रेट ठीक है ब्राजील का भी कर देते हैं और देखो भाई ब्राजील के जो स्टेट्स के नाम है उनको भी याद रखना ब्राजील के अंदर मोस्ट अर्बनाइज्ड लीस्ट अर्बनाइज्ड मोस्ट पॉपुलेटेड लीस्ट पॉपुलेटेड इस तरह से आपको लिखना है इस तरह से आपको लिखना है अमापा एम सी क्या एम सी चालू है ठीक है देखो ये इनका एक्सप्लेनेशन है अब आपके पास आप उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ रिवर्स Amazon रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है Amazon रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और Amazon रिवर इतनी ज़्यादा डेंस इतनी बड़ी क्यों है उसके पीछे मेन रीज़न पता है आपको अगर मैं आपको मैप से एक्सप्लेन करूँ इतनी बड़ी क्यू है सारे रिवर्स ए टू जेड जितने भी रिवर्स हैं वो सारे अमेजन के अंदर एक साथ मिल रहे हैं मिल रहे हैं फॉर्म कर रहे हैं एक बहुत बड़ी रिवर और ये सारे रिवर्स अब देखो आप जोग्राफी को है ना ये टू है आप थ्री में एक्सप्लेन करके देखो थ्री के अंदर क्या होगा एप्स जो माउंटेन्स हैं वहाँ से ये सारे रिवर्स फॉर्म हो रहे हैं और ये सारे रिवर्स फॉर्म क्यों हो रहे हैं क्योंकि ये मेनली इक्वेटर के साइड है और इक्वेटर के साइड बहुत ज़्यादा बारिश होती है जब पहाड़ों पे बारिश गिरेगी रिवर्स बनेंगे और सारे रिवर्स अब देखो आप थ्री डी समझो ना ये आपका माउंटेन है माउंटेन इस तरह से है तो फिर रिवर्स इस तरह से नीचे आएंगे ना तो इस तरह से सारे रिवर्स यहाँ पे बना बन जाते हैं इस तरह से सारे रिवर्स यहाँ पे बन जाते हैं देखो अगर वो लोग शॉर्ट नोट नहीं पूछेंगे इस तरह से पूछ लेंगे कि हाउ डज हिमालयास एंड कौन सा रीजन इंडियन ओशन अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इस तरह से बोलेंगे बोलेंगे अनिकेत अनिकेत बामहनी बोल रहा है कि भाई तूने बोर्ड्स रेडियूस पोर्शन में दिया था याद है ना ठीक है मेरे को याद है रेड जोग्राफी के अंदर क्या रेड्यूस था मेरे को बता दो जोग्रफी के अंदर कौन सा सिलेबस रेड्यू कौन सा चैप्टर रेड्यूस था वो मेरे को बता दो मैं समझ जाऊँगा ठीक है जोग्राफी के अंदर कौन सा वाला सिलेबस रेड्यूज था वो बता दो मुझे आप कहाँ रहते हो मैं नासिक महाराष्ट्र से रहता हूँ आए तो बोर्ड्स वाले पहले से ही काट रहे हैं भैया नहीं तो इंडिया आएगा हाँ वो आपके ऊपर है आपके एक्सपेक्टेशंस आर कितने थे ज़्यादा आए थे यस मैं आप सबको बता दूँ आपका जितना एक्सपेक्टेशन रहेगा उससे ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे ज़्यादा स्ट्रेस लो मत मैंने कितना एक्सपेक्ट किया था मैंने नाइन्टी के आसपास ही किया था और नाइन्टी के आसपास ही मिले मैं बोलूँ ब्राज़ील नहीं तो इंडिया आएगा <laughs> तो दो ही तो हैं कौन है ये <laughs> कि कौन है भाई ये किसने तो लिखा है कि भैया मेरे हिसाब से ब्राज़ील नहीं तो इंडिया आएगा कल के पेपर के अंदर और कौन सा मैप है रशिया थोड़ी अपने पास <laughs> शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं क्या यार देखो वैसे तो नहीं पूछे जाते हैं बट समझ के जाओ कहीं ना कहीं काम में ही आएंगे वो ड्रेनेज इन इंडिया बहुत बड़ा ड्रेनेज है बट आई रिवर्स कौन से कौन से हैं इस साइड के जो रिवर्स हैं डेट इज रिवर इंदस चेनाब या फिर झेलम और कौन से कौन से अगर मैं आपको यमुनोत्री गंगोत्री ये जो दो रिवर्स हैं ये भी आपके आई पी रिवर्स हैं इनको समझ लो अब भी समझ लो वहीं पे अगर मैं आपको बताऊँ नर्मदा नर्मदा आपके एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है रिवर नर्मदा ये भी एक आपके आई एम पी पोएम है भाई आपके एक मार्क्स किधर गए थे बताता हूँ बताता हूँ नेगर जयपुर पुलिस क्या लिख रहे हो ये क्या लिख रहे हो यही टाइम है क्या अब अपने पास और ये जो है कौन सी वाली है ये ब्रह्मपुत्र रिवर ब्रह्मपुत्र ये भी एक आपके आई एम पी रिवर है और अगर उन्होंने रिवर ब्रह्मपुत्र पूछ लिया पूरा लिखना होगा भाई सिर्फ इंडिया के अंदर से मत लिख के ना ब्र... रिवर ब्रह्मपुत्र यहाँ से चालू हो रही है इस तरह से पूरा घूम के इंडिया में आके बांग्लादेश में जाके इस तरह से वो लोग वो रिवर बन रही है पोयम क्या पोयम क्या पोयम क्या पोए मैं बोलू का आएगा कन्फर्म ओके ओके का आ जाएगा <laughs> ओके देखो चैप्टर नंबर थ्री एक एम पी चैप्टर है ठीक है फिर यहाँ पे लेते अपन क्वेश्चन आंसर बताओ ब्राजील इज मेनली कवर्ड बाय क्या पोयम आपका आइडल कौन है यार देखो मेरा आइडल वैसे तो <laughs> क्या बोलूँ मैं क्या ही बोलूँ आइडल अगर मैं लेके चलूँ यार मैंने भी नहीं सोचा ये बात तो ये बात तो मैंने भी नहीं सोची आप समझ के सको आप समझ के चलो क्या है ये क्या, क्या ही बाद में बताता हूँ बाद में बताता हूँ आए थे तुझे बता जरा नाइन्टी नाइन्टी आए थे हाइलैंड्स यस ब्राज़ील इज मेनलीकेंड वाला बताओ लाइक ब्राजील इंडिया टू हैज डैश का चार्ज खत्म हो गया था <laughs> भाई बहुत मजा आता है जब हेटर्स आते हैं जब हेटर्स आते हैं अपने लाइव स्ट्रीम के अंदर बहुत मजा आता है कोई तो भी लिख रहा है कि भाई तुझे ज्योग्राफी का जी भी पता है ज्योग्राफी का जी क्या है मेरे को वाई भी पता है, है। ओके एंशंट प्लेट्यूजेस ऐसे सभी बता रहे हैं जैसे पेपर इन्होंने बनाया मैंने तो नहीं बनाया बट आई एम गिविंग माई सजेश डालाना क्यों ठीक है फिर द अमेजोन बेसिन इज मेनली डैश बताओ ब्रिक्स आएगा क्या नॉट श्योर नॉट श्योर नॉट श्योर यस यस करेक्ट 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 टेक माई नेम आया है डाउट यस बरखा से यस ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं परी आई अंडरस्टूड देख लिया मैंने आपको मैसेज डेंस फॉरेस्ट क्यों 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 जोग्राफी के अंदर घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई डेंसली फॉरेस्ट क्यों इस कवर्डली इस कवर्ड मेनली बाई डेंस फॉरेस्ट लेकिन क्यों आइडल के लिए हिलर डालना यस yes, यस yes. नहीं हिलने की बात नहीं है बट मैं खुद को मेरा एड मानता हूँ मैं खुद को मेरे खुद के पुराने सेल्फ से पास से कंपेयर करता हूँ <laughs> सिग्मा, हाई वाटर सप्लाई हाँ देखो हाई वाटर सप्लाई नहीं वो मेन रीज़न ही है ट्रॉपिकल जोन वो भी एक रीज़न है ड्यू टू वेजिटेशन देखो दमेजोन बेसिन इज मेनली कवर्ड बाई डेंस फॉरेस्ट वाई बिकॉज अगर मैं आपको मैप के साथ एक्सप्लेन करूँ बहुत ज़्यादा एम है आपके इसके अंदर भी आ सकता है जोग्राफिकल रीजन के अंदर देखो अब भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको याद तो है ना अमेजॉन बेसिन कहाँ पे है ठीक है अब देखो आपका अमेजॉन बेसिन ब्राज़ील के नॉर्थ में है और ब्राज़ील के नॉर्थ में इक्वेटर है इक्वेटर के पास बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहीं पे वहाँ पे बहुत सारा पानी भी है उस वजह से डेंस फॉरेस्ट फॉर्म हो गया है ठीक है ए? भाई भाई, भाई, भाई। <laughs> अरे एड्स पर एड्स आ रहे हैं यार यार वो यूट्यूब का है वो यूट्यूब का यूट्यूब के हाथ में, में है वो वो यूट्यूब के हाथ में है भैया यू गॉट एट्टी नाइन नॉट नाइनटी एट्टी नाइन पॉइंट सिक्स जीरो ओके एट्टी नाइन पॉइंट सिक्स जीरो अगर फाइव जीरो के पॉइंट फाइव जीरो के ऊपर जाता है तो वो बड़ा वाला नंबर कैलकुलेट होता है स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा स्टैटिस्टिक्स फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं पढ़ी क्या पैसा ही पैसा होगा देखो ऐसी बात नहीं है सोशल ब्लेड नाम की एक वेबसाइट है वहां पर जाके देख सकते हो कि कितना कर रहा है कोई भी चैनल का नेम डाल के अबे <laughs> तुम लोग कहां पैसा पैसा कर रहे हो <laughs> तुम लोग कहां पे पैसा पैसा कर रहे हो ओके आई कैन स्किप लेसन नंबर थ्री एंड फोर नो डोंट स्किप देम दे आर द आई एम पीस चैप्टर इसको थ्री तो, को तो गलती से मत करना अब बताओ फोर वाले का आंसर बताओ Amazon is a large river. Amazon is a large river in the world. Near its mouth, dash. <laughs> Lots of love, yeah. Thank you, thank you, Omkar. क्या है भैया Discord पे ग्रुप बनाओ बोल भी सकते हैं और इजी भी है ठीक है ऑल्सो ड्यू टू अवर्ड सनलाइट येस अरे इक्वेटर है तो सनलाइट तो होगी येस पर पेंडिकुलर सनलाइट होगी विस लेसेंस कैन वी स्किप आई विल से डोंट स्किप एनीसन क्योंकि किसमें से भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं मैप मार्किंग भी आ सकता है चैप्टर नंबर नाइन मैप मार्किंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर फाइव भी इंपॉर्टेंट है yeah, भाई हंड्रेड डॉलर है सोशल सोशल ब्लेड पर पर मंथ वो आस्पेंस में रहो आप आप सस्पेंस में रहो वो बताओ द लक्ष्मीप आइलैंड ऑफ अरेबियंस डैश कोरल आईलैंड टू यस कोरल आइलैंड कोरल आईलैंड देखो हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं इंडिया गाइज yes यार मेरे को पता नहीं क्यों काइंड ऑफ मैं अपसेट हो रहा हूँ यार आप लोगों से वो जो सेम नाम लिखते हैं ना बिलियर थॉट आर्यन एम आई टी या फिर और भी जो मेरे मेरे को सेम नेम्स दिख रहे हैं भाई बहुत सारों का नाम नहीं ले पाऊंगा सोनम उन सबका यार काइंड ऑफ अटैचमेंट हो गया है समझ रहे हो ना काइंड ऑफ अटैचमेंट हो गया पता नहीं क्यों क्या करें यार तुम लोग तो भूल जाओगे भूल जाओगे ना पी डी एफ कहाँ मिलेगा टेलीग्राम पे क्या है अभी आज सीख लोगे कल से भूल जाओगे कि सावन नाम के भी कोई भैया थे आके क्रैक स्मार्टली आके हमें पढ़ाया पूरे चार महीने के लिए कंटिन्यू मेहनत की हमारे साथ क्या कर सकते हो भूल जाओगे ना आप ए, इतने आसान नहीं बोला बुलाना इतना आसान नहीं बुलाना ये करेक्ट वही बात है ना ठीक है सुपर चैट भी आए थैंक यू गेमर वाइटी फॉर ट्वेंटी टू रुपीज सुपर चैट ए टू द फूट हिल्स ऑफ अरावलीस डैश टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे ए सुमीत तोंगराज सुमित ज नाम से एक बंदा बोल रहा है अभी तू जो पढ़ाता है वो कुछ भी नहीं आता है ठीक है ऐसे मान लो मेरे पास फालतू में ऐसे पाँच से ज्यादा कमेंट्स आ गए ना वही आपने जो दिए थे वही आए टेलीग्राम पर मिलेगी नहीं भूलेंगे यार पता नहीं कब तो मेरे को मजा आने लग गया है हीटर्स आते हैं ना उनके मजे लेने में और मजा आता है <laughs> पता नहीं क्यों <laughs> अगले साल ले लें क्लासेस चालू करो वो डिपेंड करता है डिपेंड करता है भूलेंगे आपके ऊपर है वो आपके ऊपर है हैशटैग हेटर्स यस हैशटैग हेटर्स मजा आता है आजकल तो फ्री फायर में आईडी है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा मेरे पास मेरे को आईडी नंबर भी याद है मेरा देखो डिफरेंस बिटवीन आया डिफरेंस डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजोग्राफी ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील इस तरह से आपको लिखना है यहाँ पे इंडिया यहाँ पे ब्राज़ील इस तरह से आपको लिख के आना है ओके थैंक्स ठीक है फिर और देखो ये भी का एमपी है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स क्यों क्योंकि वहां पे गंगा रिवर भी है बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है uh, क्या है तू ही तू ही मैसेज न कर रही ओके देर आर डिसिमिलैरिटीज बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोर्ट्स ऑफ इंडिया ये वे का एम है क्यों क्यों देखो अगर आप थ्री के तरीके से समझोगे अब ये जो इसके अंदर बहुत सारे डाउट्स आते मेरे मेरे को भी बहुत सारे डाउट्स पूछे गए थे देर आर डिसिमिलरिटीज़ बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं और क्यों है वो क्या देखो अभी मेरे पास थ्री सेटअप तो नहीं है बट मेरे माइंड में पूरा थ्री मैप चल रहा है मेरे माइंड में पूरा थ्री मैप चल रहा है कि अपना इंडिया है वेस्ट साइड में वेस्ट साइड में अपने वेस्टर्न रेंजेज है उनकी वजह से समझो आप मेरी फिंगर को आप वेस्टर्न रेंजेस समझो बारिश गिरी डायरेक्टली पानी नीचे जाते हैं वहीं पे जो अपना ईस्टर्न साइड है वो ग्रेजुअली नीचे नीचे जाते हैं यू विल ऑलवेज इन आर हार्ट थैंक यू थैंक यू प्लेजर इज माइन प्लेजर इज माइन भाई हम तो नहीं भूलेंगे और आपको आपको तो कभी नहीं भूलने देंगे क्या आप हमसे पढ़ाना स्टार्ट किया था हाँ ऋतुजा यस करेक्ट क्या रुतुजा ही है ना हाँ यस ऋतुजा वही बात है ना <laughs> क्या है निकल <laughs> अरे जो रहने तो एम आई लेट देम स्क्रीम लेट ले देम बार्क ध्यान <laughs> दो ध्यान दो हाँ थ्री डी मैप गाइज क्या क्या बोले अब <laughs> जो सोचा था वही हुआ अब देखो ये आपके वेस्टर्न रेंजेस हैं दिस सिमिलरिटीज क्यों है अबे शेट हम तो हाँ ठीक है थ्री डी मैप बोला थ्री डी मैप आ गया मेरे को याद भी नहीं था कि थ्री डी मैपे अब देखो बारिश गिरी यहाँ पे वेस्टर्न रेंजेस हैं अब वेस्टर्न रेंजेस तो पता है ना आपको यहाँ पे वेस्टर्न रेंजेस हैं उनकी वजह से सॉरी सॉरी ड्यू टू द इनकनवीनियंस बट आप देखो ना डायरेक्टली पानी नीचे जाएगा उसकी वजह से कोई भी तरीके एस्टूरी इस तरह से फॉर्म नहीं होंगे सॉन्ग फॉर यू मुमकिन नहीं तुझको बुलाना हो थैंक यू थैंक यू डॉग्स आर जस्ट बारकिंग लड़कियों के कमेंट पढ़ रहे हो ए, समर्थ ऐसी बात नहीं है आप लड़की हो मैंने आपका पढ़ लिया <laughs> टॉक्सिक ज्ञान <ज्यान्वत> फेल <laughs> यार क्या बोला मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ मैं हाँ समझ गए ना टेम्परेचर देखो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स तो नहीं पूछे जाते हैं वैसे इस तरह के कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स नहीं पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर अगर आप देखोगे इस टाइप के ग्राफ्स नहीं आते हैं नहीं आते हैं वो बट एक बार एक आइडिया लेके चलो एक बार एक आइडिया लेके चलो क्या है ऑफ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशन मेरे को सही टाइम पे दिख गया ये आपके एमसीक्यू के अंदर आ सकता है एम के अंदर आ सकता है इसके अंदर लैटीट्यूड लैटीट्यूड वो लोग पूछ सकते हैं लेटीट्यूड नल वो लोग पूछ सकते हैं भाऊ मराठी ये थे का तुला म भाऊ इत जास्त पण नाही येत पण आई ट्राय उतने उतने अच्छे से भी नहीं आती है देख भैया मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है पर हिंदी तो आती है ना भाई आपका फ्यूचर प्लान क्या है कॉमर्स के बाद कॉमर्स के बाद अभी क्रैक स्मार्टली तो है ही बट साथ के साथ आई एम वर्किंग ऑन ऑन माई सेकेंड स्टार्टअप एज वेल अब आपको लगता होगा कि भाई ये तो सिर्फ सोलह साल का इतना कुछ कैसे क्या कर पा रहा है मैं कर रहा हूँ आई एम डिफरेंट आई एम डिफरेंट ठीक है फिर बताओ स्ट्रेट वेदर द राइट और रॉन्ग राइट और रॉन्ग आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं और एक मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं यहां पे right है, right है। राइट और रॉन्ग है राइट और रॉन्ग ही लिख के आना है ट्रू और फॉल्स मत लिख के आ जाना ट्रू और फॉल्स मत लिख के आ जाना राइट और रॉन्ग ही आपको लिखना है मार्क्स कटेंगे भाई भले ही आपका आंसर राइट हो फिर भी मार्क्स कटेंगे आप इतना कुछ कर रहे हैं हम कैसे भूल उल्टा है दूसरों को बोलेंगे कि ज्वाइन करें ये सब आपके जो नाइन्थ के स्टूडेंट हैं उनको बोल देना क्या दिक्कत है लेजेंड स्काई सिक्सटी नाइन स्काई लॉर्ड ना हाँ मैं भी देखता था जब वो रोस्ट करता था पहाड़ी गेमर या फिर और मानते अज्जू भाई वगैरह को इन सबको देसी गेमर्स <laughs> आपका एक मार्क्स कहाँ गया ठीक है ठीक है अब हम आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे मेरा एक मार्क्स कहाँ पर गया अपने एग्जाम से ज़्यादा तो क्यूरियोसिटी लोगों को उसमें हो रहा है देखो मेरा एक मार्क्स अब आप, आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो कैसे चेक होता है सबसे पहले वो नॉर्मल मॉडरेटर के पास जाएगा उस उसने अगर आउट ऑफ दे दिया फिर वो एग्जीक्यूटिव मॉडरेटर के पास जाएगा शायद उसने भी आउट ऑफ दे दिया फिर वो चीफ मॉडरेटर के पास जाएगा और वो लोग जितना हो सके उतना आपके मार्क्स कट करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना आपके मार्क्स कट करने की कोशिश करेंगे और मेरा पेपर आई एम डेफिनेटली श्योर कि जो चीफ मॉडरेटर है अबे ये पे आ गया एक मॉडरेटर होता है मेरा पेपर डेफिनेटली उनके पास गया होगा चीफ मॉडरेटर के पास लेकिन मेरा एक मार्क्स कहाँ पे कट हुआ एक मार्क्स कहाँ पे कट हुआ वो हुआ था या देखो अगर मैं <laughs> एक मार्क्स मेरे को जहां तक लगता है उन्होंने क्वेश्चन आंसर के अंदर काट लिया होगा क्वेश्चन आंसर के अंदर कोई भी छोटी से छोटी सी मिस्टेक या तो फुल स्टॉप नहीं डाला होगा या फिर कोई स्मॉल लेटर है उसको बड़ा नहीं लिखा होगा वहां पे उन्होंने मार्क्स काट लिया ऐसे समझो आप पिकाच ऑडियंस को बहुत पहला यस देखो जहाँ पे भी वो है मैप्स में कटा होगा नहीं मैप में नहीं कटा है मैप में नहीं कटा है मैं उस लेवल की प्रिपरेशन करके गया था मैप में तो डेफिनेटली नहीं कटा है वो क्वेश्चन आंसर के अंदर ही कटा है कहीं ना कहीं पे मेरा कोई अंज... स्पेलिंग मिस्टेक यस स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है भा तू कीर्तन का नहीं करत कीर्तन भाई ये सब जलते रहेंगे आप गेमिंग चैनल खोलो वहां पर भी सपोर्ट दिखाना है हमें यार गेमिंग मैं खुद नहीं करता हूँ ना टाइम ही नहीं मिलता है बाकी काम भी रहते हैं इतने बाकी काम भी रहते हैं टाइम ही नहीं रहता है बट येस गेमिंग तो नहीं बट सेकेंड वाला एक और चैनल बनाया है मैंने ऑलरेडी बना दिया है आप चैनल का नेम सर्च करो क्रैक स्मार्टली के रिलेटेड है आपको मिल जाएगा अन मनी आपको टेंथ में कितने थे नाइन्टी परसेंट प्रणव नाइन्टी परसेंट ब्लॉग ब्लॉग देखो ब्लॉग तो दूर की बात है ब्लॉग अभी दूर की बात है ब्लॉगिंग चैनल चाहिए तो बना देंगे हम तो भी देखो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ये जो चैप्टर है इसमें से मेनली किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताता हूँ ये ब्राज़ील का ये अच्छे से करके जाना अच्छे से करके जाना इसमें से आईएमपी कौन से कौन से हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आईएमपी है वहीं पे थॉर्नी शब्स कटिंगा ये आईएमपी है एव स्पेलिंग मिस्टेक से हाफ मार्क्स जाता है जो एक मार्क्स में कन्वर्ट हो जाता है नॉट पॉसिबल हो सकता है बट ऐसे नहीं कि एक ही स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो दो तीन हो गई हो एक क्वेश्चन के अंदर हो सकता है अभी एक सेकेंड हाँ आपका गेमिंग चैनल का नेम बताओ सावन स्पॉट वाई टी सावन स्पॉट वाई टी मिल जाएगा आपको क्या दिक्कत है ए सावन स्पॉट वाई टी कमेंट डाल देना मैं समझ जाऊंगा आपको मिल गया बल्लू वन मोर का जिंदगी हल में आए चली जाएगी ठीक है हाँ देखो मैंने आई एम पी एस मार्क किए हैं ये चार तो आप अच्छे से समझ के जाना कि किधर आते हैं ये चार तो अच्छे से समझ के जाना एक्स्ट्रा तो करनी है बट इन चार को स्किप मत करके जाना नाइन के स्कूल सुन ऐट के तो करवाओ पहले तुम लोग यार तुम लोग शेयर नहीं करते हो शेयर किया कल की वीडियो शेयर किया आप लोगों ने देखो भाई मुझे सब कुछ पता चलता है आपका एज ग्रुप क्या है मेरे को मिलनी थर्टीन टू सेवेंटीन वाले लोग ही देखते हैं एज ग्रुप फिर आपने शेयर किया है कि नहीं कहाँ पर शेयर किया है व्हाट्सएप पर शेयर किया है इंस्टाग्राम पर किया है टेलीग्राम पर किया है सब कुछ दिखता है ओके माफिया सावन क्या ये यस करेक्ट करेक्ट एम आई टी प्रिडिक्ट करो हो जो आएगा भैया एक क्वेश्चन प्रिडिक्ट करो जो आएगा है क्वेश्चन प्रिडिक्शन क्या <laughs> देखो तुम लोग सीरियसली मत लो बट ये आ सकता है वॉट एनवायरमेंटल इश्यूज आर फेस्ड बाय ब्राज़ील एंड इंडिया ये आ सकता है आ सकता है ये भी आएगा हाँ ये भी आ सकता है द नॉर्थ द नॉर्थ पार्ट ऑफ ब्राजील इज कवर्ड बाई डेंस फॉरेस्ट आपको इनको अच्छे से करके जाना है फील्ड से आएगा चार मार्क्स के लिए फिक्स हो सकता है हो सकता है टेक माई नेम फायर्ड अप इंसान हो सकता है हो सकता है भाई डेढ़ सो लाइक्स कह लाइक करो लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग पॉपुलेशन गाइस पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट क्यों अब देखो डेंसली पॉपुलेटेड कौन से कौन से जगह हैं कौन सी कौन सी जगह वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल है फिर यूपी है यहाँ पे कौन सा है हरियाणा है ना हरियाणा पंजाब वो साइड भी थोड़ी सी डेंसली पॉपुलेटेड है वह पॉपुलेशन कैसा होता है <laughs> चैनल में मिल गया यस मिल गया होगा मिल गया होगा मिल गया होगा, मिल गया होगा। <laughs> तीन साल पहले का है वही लॉकडाउन का है दो हजार बीस में मनाया था <laughs> ब्राजील के अंदर भी देख लो ए, अपना क्या ब्राजीलिया एक है फिर रियो डे जेनेरियो ये भी एक ये जगह का नेम आपको याद रखना है हाँ देखो साउ पाओलो डी दे जेनेरियो डेंसली पॉपुलेटेड लीस्ट पॉपुलेटेड देखो लिस्ट अगर पूछ लिया ये एक सिंपल से याद रखो पारा पारा आपको याद रखना है पॉपुलेशन लव स्टेटस एफ एफ लव स्टेटस यस पॉपुलेशन लुका पॉपुलेशन लुका क्या क्या पूछ रहे हो आई एम पाकिस्तान यू आर पाकिस्तान तो बहुत अच्छी बात है आपका एम क्या है एम यही एम है क्रिएटिंग ए इम्पैक्ट क्रिएटिंग अ इम्पैक्ट जो कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ किया है भाई किया है और सुनो सुनोगाइस एक खुशखबरी खुशखबरी तो देखो वो मेरे लिए आपके लिए भी होगी अपने चैनल ने आज पाँच लाख व्यूज़ क्रॉस कर दिए हैं पाँच लाख व्यूज़ समझ रहे हो आप पाँच लाख व्यूज़ कितना हुआ कितने ज़ीरोज आते हैं पाँच लाख के अंदर मेरे को तो वो भी नहीं पता <laughs> यूनिट टेन्स हंड्रेड थाउजेंड हाँ फाइव लैख व्यूज़ फाइव लाख व्यूज कंप्लीट कर दिए हैं फाइव लाख व्यूज कंप्लीट कर दिए ओ पी यस यस हाँ मैं बता दूंगा मैं बता दूंगा फाइव लाख फाइव लाख व्यूज समझ रहे हो ना समझ रहे हो ये भी एक आई है ब्राजील इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट अरे भैया आप बाद में भी देख सकते हो हाँ देखो ये आएगा भाई ये आएगा ये, आ, ये आ, आ सकता है ये पूछे भी गए हैं इनसे रिलेटेड पूछे भी गए हैं खासकर ये वाले भी पूछे गए हैं ये जो चार्ट पॉपुलेशन सिक्स चैप्टर नंबर सिक्स सेवन की जो चार्ट से उनको अच्छे से करके जाना नाइन ज़ीरो आता है नाइन ज़ीरो तो नहीं आता है सिक्स फिगर होता है वो फाइव लाख सिक्स फिगर मैं तो मज़े ले रहा था आपके सिक्स फिगर सेवन फिगर फिगर्स में खेलना मजा आता है मेरे को पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मेरे तरफ ध्यान दो सूरज आपके तरफ ध्यान देते हैं <laughs> सूरज बोल रहा है मेरे तरफ ध्यान दो ठीक है अभी तक लाइव है यस yes. नेक्स्ट करो हम्म hmm. हाँ ये देखो ये आपका लाइफ एक्सपेक्टी वाला है जो थ्री मार्क्स सिक्स मार्क्स के लिए आ सकता है वो लोग कुछ भी टाइप कुछ भी टाइप के क्वेश्चन पूछ लेंगे लिटरेसी रेट लिटरेसी रेट के लिए भी पूछ सकते हैं छः मार्क्स के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बाई प्रेजेंटेशन से मार्क्स बढ़ते हैं क्या डेफिनेटली बढ़ते हैं डेफिनेटली बढ़ते हैं आपको चाय पसंद है या कॉफी कुछ भी नहीं मैं चाय कॉफी कुछ भी नहीं लेता हूँ <laughs> हो जाएगी अल्ट्रा रेस से हाय <laughs> यस भाई अलग ही थिंकिंग है अलग ही थिंकिंग है सूरज इस वनम की तो यस <laughs> yes. बताओ लिख दो समझ लो लिटरेसी रेट इज हायर इन ब्राजील देन इंडिया करेक्ट राइट राइट वही पे इन ब्राजील पीपल रेफर लिविंग इन द साउथ ईस्ट एज कंपेयर टू द नॉर्थ ईस्ट बताओ सेकेंड वाले का बताओ भाई अभी पार्थ हूँ की लाइव है संस्कृत पे संस्कृत पे प्लीज टेक माय नेम रॉन्ग रॉन्ग है कि राइट है बताओ भाई कुछ याद ही नहीं हो रहा है टेंशन की वजह से वही तो बात है ना ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है अपने को टेंशन लेनी नहीं है अपने को यार आई टली हंड्रेड परसेंट गोइंग टू रिमेंबर दिस डेज लास्ट डे खासकर आपके खासेंथ बोर्ड एग्जाम का लास्ट डे एलियन स्पॉटेड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिमेंबर देखो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्राज़ील फिर ब्राजील मोस्ट यहाँ देखो ये चारों के चार एम पी एग्जाम्स के अंदर इनमें से पूछे जाते हैं मिस यू ब्रो क्यों ये लाइव आज ही खत्म हो गया ना सोफिया ये लाइव देखो यार लास्ट लाइव है आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू ऑल टेंड एग्जाम के लिए कल से तो पता नहीं तुम लोग अलग ही ट्रिप में रहोगे छुट्टियाँ <laughs> मज़े वेकेशन दादा दादी के घर पे नाना नानी के घर पे मामा के घर पे <laughs> ब्रो यू आर हैंडसम यू हैव फोर यू हैव फोर टू क्रश भैया आपका बाइसेप दिखा दो <laughs> क्या करते हो भाई क्या करते हो आपका बाइसेप दिखा दो दिखाऊं दिखाऊं क्या यस लिखो दिखाना है क्या एक एक पता नहीं लड़का था कि लड़की भैया आपका भैया भाई, आपका बाइसेप दिखा दो <laughs> हम तो कल पेपर देखे मस्त हो जाएंगे सुकून मिलेगा वही तो बात है ना नो यस नो 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 भाई आप नाइट स्टडी करते हो या मॉर्निंग स्टडी मॉर्निंग मॉर्निंग हेलो हाय यस <laughs> यार भाई साहब तो क्या ही बोलूँ मैं आप ठीक है अगर आपको यार लाइटिंग की वजह से नहीं समझ में आ रहा होगा बट है बट है बट है <laughs> भाई आप क्या दिखा दो यार वो नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा वो लाइटिंग की वजह से नहीं दिख रहा है ठीक है थैंक यू सो मच हेल्प करने के लिए वेलकम 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 इट रियली मींस अड टू मी आप सब लोगों के कमेंट्स आप लोगों के ठीक है चैप्टर नंबर नाइन पे आते हैं आई एम पी आई एम पी मैप मार्किंग क्वेश्चन मैप मार्किंग नहीं मैप ऑब्जर्वेशन ठीक है देखो ब्राजील से उतना नहीं पूछा जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्राजील से नहीं आएगा लेकिन मैप मार्किंग के लिए आ जाएगा देखो वो लोग क्या पूछेंगे कि जेनेरियो रियो रियो का कोई एयरपोर्ट रियो डेजन रियो एयरपोर्ट कहाँ पे है या फिर ब्राजील्स मोस्ट नदर मोस्ट ब्राजील्स नदर मोस्ट क्या दिखा रहे हो याद देखो भाई अब मेरी ऑडियंस ने बोला है तो दिखाना तो पड़ेगा ना ब्राजील्स मोस्ट नदर मोस्ट एयरपोर्ट बोआविस्टा याद रखना याद रखना भाई याद रखना बोर्ड मार्क्स शीट दिखाओ ना दिखाइए ऑलरेडी दिखाइए प्रूफ करना मेरे को अब अच्छा नहीं लगता है कैपिटल ब्राजील का ब्राजीलिया है आपको याद रखना है लेकिन ब्राजील उतना इंपॉर्टेंट नहीं होके इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखो मेजर पोर्ट्स मेजर पोर्ट्स आपको याद रखने हैं कांडला पोर्ट बंदर वही पे कोचिन चेन्नई विशाखापट्टनम सिंपल है आप याद रख लोगे इससे इस, इस इस मेमोरेबल बनाने के लिए लाइफ में कुछ तो अलग करते हैं हाँ वही बात है ना <laughs> ए, उतना पर्सनल नहीं जाना है समर्थ उतना पर्सनल नहीं जाना है उतना पर्सनल नहीं जाना है उतना पर्सनल नहीं जाना, जाना <laughs> मार्कशीट दिखाओ ना अरे यार ऑलरेडी दिखाई है बार बार नहीं दिखा सकता हूं मैं हाँ ये भी एक आई एम पी है इम्पोर्टेंट रेलवे रूट्स एंड एयरपोर्ट्स ये तो भाई एग्जाम में दो तीन बार पूछा गया है बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रीलिम्स में भी आया होगा प्रीलिम्स में आया है ना प्रीलिम्स में आया है आएगा भाई वो इम्पोर्टेंट <coughs> मैप्स देखो आई एम पी मैप्स कौन से कोई दो तीन तीन सौ चार सौ मैप्स तो है नहीं गिन के चार पांच मैप्स हैं <laughs> मेरी, मेरी मर्जी भाई भाई आपके ट्वेंटी फाइव पैक्स दिखाओ दिखा दो ना ट्वेंटी फाइव तो नहीं है बट बन रहे हैं बट बन रहे हैं यार तुम लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मिल जाएगा तुमको कल मैं आज मैं आईडी बना दूंगा नई कल आप फॉलो कर लेना एग्जाम से आने के बाद में स्टैंडर्ड टाइम यार देखो इससे उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं इससे उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं बट 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 इसमें से जोग्राफिकल रीजन्स पूछे जाते हैं और ये जो तीन ज्योग्राफिकल रीज़न है ये एक तरह से आपके आई एम पी जोग्राफिकल रीजन है भैया गाना बजाओ श्री राम जानकी वाला यार लेकिन आपको आवाज आएगी क्या मेरे को वो नहीं आईडिया है <laughs> बजा यार कॉपीराइट आ जाएगा भाई कॉपीराइट आ जाएगा नहीं मैं नहीं बजा सकता हूँ मैं बजाने वाला था कॉपीराइट आ जाएगा <laughs> बजा देता बट कॉपीराइट आ जाएगा भाई कॉपीराइट आ जाएगा और देखो ये जो तीन क्वेश्चन है इनको एकदम अच्छे से करके जाना भाई लेकिन एक चीज़ याद रखना लाइफ में मेरे को पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी को क्रैक करोगे आईएम को क्रैक करोगे नीट को क्रैक करोगे याद रखना कि आया था एक बंदा आया था सावन भैया नाम से माइल्स इज नॉट ओके एटलीस्ट ओके एटलीस्ट पेपर येस मेरे को पता है आगे जाके आप जितनी भी ऊँचाई पर जाओगे बट याद रख लेना क्या याद रख लेना क्या दिक्कत है एस एस सिविल सर्विसेज में जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आता भैया पंद्रह सेकंड के ऊपर मत बजाओ नहीं आता भैया पंद्रह सेकंड के ऊपर मत बजाओ ऐसा ऐसा ही क्या सीन ऐसा ही क्या ऐसा है क्या देखो मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि आपके ऊपर बजा रहा हूं मैं आपके वजह से बजा रहा हूं मैं <laughs> देखना पड़ेगा भाई एक सेकेंड है मैं आपके चैट्स देख रहा हूं अभी चैट्स आ ही नहीं रहे हैं एक सेकेंड आवाज आई अरे बस 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 आवाज आई क्या? आवाज आई क्या? शॉट आउट प्लीज हाय हेलो हेलो हाँ बस वही तो बात है ना कॉपीराइट बस बस अभी से आगे नहीं होगा ये आई है, हाँ येस इंटरनल मार्क्स देते हैं आपको इंटरनल मार्क्स देते हैं इंटरनल मार्क्स डेफिनेटली देते हैं देखो भाई मैंने अलग से लिखा है यार देखो मेरे को है ना बहुत है जब स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि आपको फालतू में सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं ऐसा नहीं है बैठ के पी बनाओ तुमको पता है तुमको पता है एक बार आइडिया आता है ना समझो मेरे को आइडिया है कोई वीडियो बनाने का उसके पहले स्क्रिप्ट लिखो कौन से कौन से पॉइंट्स को ऐड करना है फिर रिकॉर्ड करने बैठो उसके अंदर आधे से एक घंटा लग जाता है क्योंकि वी हैव टू गिव बेस्ट ओके खासकर मैं आई बिलीव इन गिविंग माई बेस्ट वहीं पे आधे से एक घंटा रिकॉर्ड करने में लगा फिर उसको एडिट करने में टाइम लग जाता है टूटा टूटा, इसका पीडीएफ भेज सकते हो ऑलरेडी भेजा है ऑलरेडी टेलीग्राम पे है ऑलरेडी टेलीग्राम पे है एस डब्ल्यू आर जे ऑलरेडी है SWRJ, भैया <laughs> शा, शायरी सुना दो एक शायरी सुना दो यार शायरी तो ठीक है ठीक है ठीक है ये सारी चीजें अपन कल करेंगे कल आपकी एग्जाम हो जाएगी उसके बाद में करेंगे भाई क्या दिक्कत है <laughs> टूटा टूटा एक परिंदा जैसे टूटा जोग्राफिकल रीजन कैसे करें टिप्स ब्रो देखो जोग्राफिकल रीजन के लिए ऑलरेडी टिप्स दे दिए हैं मैंने इंट्रोडक्शन कैलकुलेशन लिखना है तीन मार्क्स का आएगा छ से छ से आठ पॉइंट्स में लिखना है छह से आठ पॉइंट्स में लिखना है अब मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया प्लीज़ रिप्लाई में भाई वहाँ पे सौ से ज़्यादा मैसेज रिक्वेस्ट पड़े हुए हैं सबका मैं रिप्लाई देने गया तो बहुत टाइम लग जाएगा चिनमय अपर्णा ओके ए, एक फरिश्ता आया था नाम सावन दादा थैंक्स भाई ए देखो एक चिनमय ने लिखा है एक फरिश्ता आया था नेम सावन दादा थैंक्स फॉर लव एंड मिस यू अरे भाई वाई, वाई वाई मिस यू वाई मिस यू ठीक है आप लोग दे दो गई एक पिकअप लाइन मेरे लिए देखो स्टूडेंट्स लास्ट डे आज आपका बोर्ड एग्जाम का है अपने लाइव स्ट्रीम का ओके मैथ्स मार्क्स बताओ कोई पिकअप पिक लाइन मेरे लिए <laughs> मैं रोया तुझे ढूंढ ढूंढ के बाय आई एम गोइंग टू ईट फूड इतनी जल्दी गुजराती हो गया <laughs> वेट ओके okay, यस yes. जाके गूगल पे सर्च कर लो <laughs> गूगल पे सर्च कर दो चैलेंज एक्सेप्टेड ठीक है कल के एग्जाम को फोड़ के आना है आपको कल के वॉट डू यू मीन माई गुजराती अरे वो इतने जल्दी खाना खा रहे हैं ना कितना सात बजे अभी सात बजे अभी भैया आर यू गुजराती नो no, आई एम नॉट गुजराती आई एम राजस्थानी और तुमको मैं क्या बताऊँ क्या चलो अभी नहीं बताऊँगा अभी नहीं बताऊँगा टुडे ठीक है ठीक है टुडे टुडे इट्सल्फ इज ट्वेंटी फोर मार्च ठीक है एकदम ध्यान से सुनना एकदम ध्यान से सुनना ट्वेंटी फोर मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री आई मेट विद अ पर्सन हु इज हैविंग नेटवर्थ मोर देन एट हंड्रेड करोड़ समझ रहे हो आठ सौ करोड़ से ज़्यादा क्योंकि वेल्थ है उनके साथ मैं मिला था टाइम स्पेंड था? भाई था, किया था भैया सेम पी को लाइव स्ट्रीम था छः क्यों क्यों स्टार्ट किया यार देखो स्टार्ट छ को स्टार्ट करने की बात नहीं है मेरे को थोड़ा बाहर जाना है इलेवेंथ 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 अलग पांडे नो नो एक्चुअली नॉट ही इज नॉट वेल नोन और अगर आप उनको देखोगे ना आप उनको देखोगे समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि आठ सौ करोड़ से ज्यादा की वेल्थ है मैथ स्टूडेंट्स कल लास्ट एग्जाम है यस हाँ ओके आ चुके हैं आई सॉ अवटिफुल आई सॉ अ अवूटिफुल फ्लावर दिस मॉर्निंग एंड आई थॉट इट आई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आई सॉ अवटिफुल फ्लावर दिस मॉर्निंग एंड थॉट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग एवर एंड टिल आई सॉ यू ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू आई कॉन्ट टर्न वॉटर इंटू वाइन बट आई डेफिनेटली श्योर डेट आई कैन टर्न यू इंटू माइन फॉर गर्ल्स एम आई टी ब्लॉक कर दूंगा ब्लॉक कर दूंगा ओके okay? एम ऑन मून इफ आई मिस यू हिट माई स्टार एम ऑन मून एम ऑन मून इफ यू मिस यू इट मे इट स्टार ओके ओके आई लव यू ओके इंटरनल परसेंटेज कितना मिलता है ट्वेंटी परसेंट रोजल कम्प्लीट करो ये सोफिया आपको जाना है तो आप जा सकते हो स्ट्रेंस स्ट्रेंसिल ट्राई कैसे करें मत लेके जाओ चलेगा मत लेके जाओ नहीं लेके जाए तो भी चलेगा क्या है सर ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रही आर यू माई बुक एंड माई बुक यस थैंक यू थैंक यू एम बी एच वाला अरे कहाँ आठ सौ करोड़ भाई वो महीने के दो करोड़ भी नहीं कमा रहे <laughs> और भाई आ गया स्वाद इवन आई एम राजस्थानी ओके बहुत अच्छी बात है शिवानी बहुत अच्छी बात है नहीं भैया जागरण करना है एक बार तो फाये पाँच घंटे बैठूंगा बैठ जाना <laughs> क्या है क्या आप जितना टेक्स्ट बुक पे आई एम पी मार्किंग दिया है उतने तो करूंगा तो चलेगा क्या ब्रो नहीं एक्स्ट्रा भी करके जाना है एक्स्ट्रा भी करके जाना है ना एक डाउट है टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक में चार लाइन का आंसर होगा तो बोर्ड में भी पूरा लिखेगा क्या देखो आप खुद की तरफ से इलेबोरेट कर सकते हो खुद की तरफ से आप इलेबोरेट कर सकते हो एक सेकेंड है मैं लाइटिंग लाइटिंग एडजस्ट कर रहा हूँ मैं अरे ये लाइट ओके ओके हॉलीडेज में भी लाइव लो ना भैया कभी कभी हाँ आ जाएगा नगमा आ जाएगा भैया आपकी याद आएगी कहाँ जा रहा हूँ मैं मैं कहीं नहीं जा रहा आप कहीं नहीं जा रहे हो चैनल कहीं पे नहीं जा रहा है यूट्यूब कहीं पे नहीं जा रहा है क्यों याद आएगी भाई कल पार्टी आना जरूर रिजल्ट वाले दिन रिजल्ट वाले दिन पाली से हो नो फ्रॉम जयपुर साइड जयपुर साइड भाई आपकी याद आएगी अरे क्यों ग्रेस मार्क्स कितने सब्जेक्ट को मिलते हैं पर आइडिया नहीं है आइडिया नहीं है सुनो गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है रुको अगर आपको कोई डाउट नहीं है आप जा सकते हो आप जा सकते हो या फिर आपको बात करनी है थोड़ा सा नियर अबाउट अभी सात सवा सात हो रहे हैं दस पंद्रह मिनट और के लिए अगर आपको मेरे से बातें करनी है लास्ट डे है अपने लाइफ स्ट्रीम का तो आप रुक सकते हो अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो पॉइंट वाला ग्राफ कैसे करें देखो मैं बोलूँगा पॉइंट वाला ग्राफ़ अगर आप कर रहे हो प्रैक्टिस करके जाओ ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है चलेगा बाई वर्ड्स में लिख सकते हैं ना जोग्राफी में यस 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 ब्रो क्वेश्चन नंबर सेवन आई पी दे दो यस लिख सकते हो आप जोग्राफी पेपर हार्ड होगा क्या नहीं बिल्कुल हार्ड नहीं होगा कल लाइव आओ चिल करेंगे <laughs> देखते हैं आपकी चिल चिल देखते हैं लेकिन कल दोपहर में वीडियो आएगी एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी ब्रो यू आर डायमंड वी आर लकी टू गेट अ ब्रदर लाइक यू मिस यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रियली मीन्स अ लॉट टू मी जय श्री राम स्केल बड़ा या छोटा लिखे स्केल बड़ा या छोटा स्केल लिखने की जरूरत नहीं है स्केल यार हाँ आपके ग्राफ के अंदर लिखना होगा अगर आप ग्राफ ग्राफ बना रहे हो लिखना होगा आपको पहले चाय पी ले <laughs> कोई भी सब्जेक्ट में फेल हुआ तो रिसेट होता है ना हाँ रिपीटर्स पेपर होते हैं रिपीटर्स पेपर होते हैं कौन से टॉपिक पे एम पी वीडियो होगी भाई आपके टेंथ के एग्जाम के बाद में टेंथ के एग्जाम के बाद में, में, में अरे ब्रो कैसे फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन कर रहा हूँ मैं वाह बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है क्या आप रात को पढ़ते हो हाँ अब मैं रात को पढ़ूंगा अनुष्का रोहित ब्रो आई टू फ्लाइंग स्कूल मतलब फ्लैंग स्कूल कहाँ की नेम डालो क्या आप रात को पढ़ते हो यस यस मैं चली नहीं पीटी मैं चाय नहीं पीती यार तुम लोग क्या चाय चाय कॉफी पे कहाँ पे आ गए तुम लोग कल आपका एग्जाम है कल आपका एग्जाम है और आप लोग चाय कॉफी पे कहाँ पे आ गए <laughs> चाय कॉफी कल लाइव बाचील करेंगे हो जाएगा कोई भी डाउट है पूछ लो भाई और हाँ आपको क्यू एन ए चाहिए क्या बताओ अच्छा हो याद आ गया क्यू एन ए क्यू एन ए चाहिए ना क्यू एन ए आज तो पूरी रात जागने हो भैया टेलीग्राम में टेलीग्राम के चैट्स ओपन कर दो एग्जाम्स खत्म कल होंगे कल होंगे क्यू चाहिए <laughs> हाँ हाँ यस बड़ी ठीक है भाई बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं मैंने आज से तीन महीने पहले जब मेरे को पाँच से दस सिर्फ पाँच से दस स्टूडेंट्स देखते थे मेरे हिसाब से राहिल एम इन सबको याद होगा जब अपन वो लेते थे इंटेंसिव बैच आपके एम सी की उसकी उस टाइम पे पाँच से दस लोग ही देखते थे उस टाइम पे मैंने पूछा था वेर आर यू फ्रॉम आज आपका बोर्ड एग्जाम का लास्ट डे है एक तरह से आप समझो कि प्रिपरेशन का लास्ट डे है अब आप लिख दो आप कहाँ से हो मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ आप सब एक बार लिख दो क्या आप कहाँ से हो माई सीमेंट भैया कहाँ से हो आप दुबई से पहले भी अभी भी क्या <laughs> लिख दो आप लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ नासिक से ओके okay, मैं भी नासिक से ही हूँ बी के बारे में आपके क्या आपका क्या ख्याल है न्यूट्रल आई एम गोइंग टू बी न्यूट्रल ऑन दिस दूल्हे कोल्हापुर भाई मुझे पता है ये टाइम वापस अगले साल ही आएगा नासिक कल्याण भिवंडी संभाजी नगर ओके नासिक ओ संभाजी नगर स्टेट बोर्ड वाले भैया पे ओके जय भारत आमचा पुणे आमच पुणे यही है ना वो ओके मुंबई शिरडी नागपुर हाय ब्रो कंपेयर के क्वेश्चंस में कॉलम ड्रॉ करना है क्या यस मुंबई थाने अलीबाग अलीबाग थाने कोलापुर महाराष्ट्र सांगली यस 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 बॉम्बे फ्लाइंग क्लब शिरडी मार्स ओके मार्स से भी आ चुके हैं लोग एलियंस अपने लाइफ स्ट्रीम देख रहे हैं एलियंस एलियंस अपने लाइफ स्ट्रीम देख रहे हैं मून मून ओके दुबई एम आई टी दुबई से बोल रहा है मैं मैं लंदन से लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं लंदन से लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ गोविंद नगर नासिक अरे बहुत पास में हो गोविंद नगर नासिक किसने लिखा है आ, ओम ओम अ थर्डे अगर आपको पता होगा न्यू एयर इंग्लिश मीडियम स्कूल मैं वहीं पे मैं वहीं से मैंने टेंथ पास आउट किया है न्यू एयर इंग्लिश मीडियम स्कूल वहीं से मैंने टेंथ पास आउट किया है क्या है तो सच में टेंथ में है ना स्टैन यूएसए एस एस यूएसए रशिया <laughs> पर गंगापुर रोड नासिक गंगापुर रोड ओके ओके मैं भी नासिक से हूँ मैं वहां हूँ भैया मैं वहां हूँ भैया गोविंद नगर ना गोविंद नगर में न्यूरा भी है एटलांटिका एटलांटिका ओके okay. स्टैंड नांदेड़ थाने जुनेर मैं जिंदा नहीं हूँ एलियंस ओके okay. एलियंस भी देख रहे हैं अपने को हेवेन आपके तो एम आई टी अपनी वो मत चालू कर तू पढ़ाई कर पढ़ाई कर भाई तो यारे एम आई टी अलग बंदा है वो अलग बंदा है वो क्या की वर्ड्स का मतलब क्या क्या होता है आर यूंगी करोड़ बात चाम्बरली मार्स परवनी ब्राजील ठीक है ठीक है ठीक है वो देख लिया है मैंने ऑल ओवर महाराष्ट्र अपना चैनल पहुँच चुका है एक बात तो साफ है जैसे मुंबई हो पुणे हो नासिको या फिर सांगला सांगली कोलापुर नागपुर हर जगह अपने चैनल पहुंच चुका है ए वे ना जो रिवीलिंग 80 करोड़स बात विच 80 करोड़ बात विच 80 करोड़ बात ये फस गया सी है hmm. क्या है व्हाट्स योर फेवरेट यूट्यूबर आप सब लोग पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हो बट फेवरेट यूट्यूबर आई कैन से अगर मेरे को टाइम पास करना है या फिर थोड़ा सा मैं फ्री हूँ तो मैं टेक्नो गेमर्स को देख लेता हूँ ब्लॉगर पिका चू दी लेना भाई दुबई में भी लाइन वाला ग्राफ स्किप कर दिया तो चलेगा क्या पूछ सकते हैं स्किप यार समझ के जाओ ना समझ के जाओ समझ के जाओ एक सौ छः लोग देख रहे हैं बहुत बड़ी बात है अब भी क्या भी लाइक करो जैसे मीटअप रखो भाई प्लीज़ नासिक में कहाँ पे रखना है मीटअप <laughs> डांस <ड्रान्स> करो ब्रो <laughs> मैं यहाँ कोई वो नहीं आया हूँ आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आया हूँ मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आया हूँ पढ़ाई करो भैया के स्पेशल क्यों है नहीं के करवाओ हो जाएगा बाय भा, ब्रो आई टू लर्न है बाय बाय डोंट प्रमोट वॉट वॉट प्रमोट आ नया चल का नेम बताओ कल 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 एक सेकेंड सेकेंड चलो जाने दो बाद में बताऊंगा बाद में बताऊंगा मैप फिलिंग कैसे करे पेन से या पेंसिल से पेंसिल 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 एस्केप द मैट्रिक्स यू ऑल लेव टू द मैट्रिक्स एस्केप द मैट्रिक्स ब्रो मैं पॉइंट बताओ ना ऑलरेडी वीडियो बनाई है ऑलरेडी वीडियो बनाई है और यार तुम लोग एट के एट के तो यार मेरे को अब क्रैक स्मार्ट लेंस तुमसे विश्वास उठ गया है एट क्या नहीं करवाया तुम लोगों ने हैंडराइटिंग दिखाओ आपकी मेरी हैंडराइटिंग दिखाऊं क्या छोड़ो ए सुहानी बोल रही है कि यू आर यू आर क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज यू सपोर्टेड लाइक अस बिग ब्रदर यस <laughs> आप कौन सी गाली ज्यादा देते हो डैश डैश दै आगे आप लगा लो आगे आप समझदार ही भाई लैपटॉप पे माइनक्राफ्ट खेलते हो क्या नहीं मैं गेम नहीं खेलता हूँ टाइम नहीं मिलता है क्या ये आपको दो साल बाद डालता हूँ जयपुर मीटअप मैं जयपुर से थोड़ी हूँ मैं तो नासिक से हूँ अभी फीलिंग करें तो चलेगा आज की वीडियो नहीं देखिएगा केतन आज की वीडियो देखो आज की वीडियो देखो डैश डैश <laughs> फेवरेट।, फेवरेट डिश फॉर मी फेवरेट डिश, फेवरेट डिश।, फेवरेट डिश।, फेवरेट डिश। ऐसे बोलूँ मेरे मम्मी के हाथ का मटर पनीर ओके <laughs> जोग्राफी में डैश सेमी मीडियम हार्ड चाहे इंग्लिश चा। बाय ब्रो टेक केयर बाय समीक्षा और सुनो 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 ऐसे मत करना कि आपकी टेंथ बोर्ड एग्जाम्स हो गई तो अनसब्सक्राइब करके चले गए ऐसा नहीं है आने वाले आपके रिजल्ट तक बहुत कुछ आने वाला है कल की वीडियो मैंने डिसाइड कर ली है रिकॉर्ड भी हो गई है एडिटिंग चालू है उसकी एडिटिंग इन प्रोग्रेस है ओके okay, कोई भी जाना मत कोई भी जाना मत नहीं पार्थ पार्थ मैंने ऑलरेडी बोला है अगर आपको जाना है आप जा सकते हो आपको कोई भी क्वेश्चन है अब भी पूछ लो अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो स्वानी गुरु दक्षिणा दे दो आपका प्यार सपोर्ट इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स यही सब मेरी गुरु दक्षिणा है ऐसे समझ लो भाई रिजल्ट कब लगता है जून जून जुलाई जून एंड हमारा रिजल्ट सेवनटीन जून को निकला था ठीक है मैं आपको एक उसमें डालता हूँ इमेजिनेशन में डालता हूँ इमेजिनेशन में डालता हूँ मैं आप सबको जस्ट इमेजिन कल आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे जस्ट इमेजिन आप अभी लाइव स्ट्रीम के अंदर हो ये लाइव स्ट्रीम ख़त्म होने के बाद में आप लोग अपनी ये लाइव स्ट्रीम को हर एक फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे अपने चैनल को आप अपने हरे हर एक फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो फिर आप पढ़ाई कर रहे हो कल आप एग्ज़ाम देने जाओगे जोग्राफी के एग्ज़ाम देने जाओगे आपने आपको बहुत अच्छा पेपर गया आपने आउट ऑफ वाला पेपर लिख के आ गए हो आप अब आपका तीन मंथ्स का हॉलीडे लग चुका है ओके ब्रो डू यू ट्रेड अब आपका तीन मंथ्स का हॉलीडे लग चुका है उसके बाद में क्या करोगे आप गाइज ओनली वन सेकेंड कोई तो भी आए कोई तो भी आए दो, दो... श या चेक नहीं चाहिए भाई मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए भाई मुझे लाइक नहीं है वो मैं पॉज करके गया था पॉज करके गया था पेंसिल से पेंसिल से विथ पेंसिल ओनली पेंसिल <laughs> क्या है वन सेकेंड गुरु दक्षिणा गुरु को ही देते हाँ हाँ फ्रिज में रख दो उसको डू यू एग्री विद एंट्रोड रेट यस उसके मनी के रिलेटेड जो भी साइकोलॉजी है आई आई एग्री विद हिम ओके सोनाम बट आपको नहीं ऐसे टी डू यू एग्री विद यस PUBG प्लेयर होता है आपकी बहुत अच्छी बात है वो पढ़ाई करवाने आए हो ये क्वेश्चंस लेने दोनों पढ़ाई तो हो चुकी है भाई शाउट आउट दे दो नेम सुशांत हाय सुशांत <laughs> इमेजिन कर रहे थे हाँ जब इमेजिनेशन से तो अपन अलग ही चले गए मम्मी वो गेट बंद कर दो कौन सा लैपटॉप है आपके पास लेनो लेनो लेना लेनो। <laughs> मत भाई ठीक है अब इमेजिनेशन में वापस आ जाओ कल आपका ज्योग्राफी का एग्जाम है आपने बहुत अच्छे से एग्जाम दी है आपने बहुत अच्छे से एग्जाम दे दी फिर फिर आपके तीन मंथ्स का हॉलीडे लग चुका है ये तीन मंथ्स के अंदर आपके मन में जो भी आया आपने वो सब कुछ किया लेकिन अब आपका रिजल्ट वाला दिन है लेकिन अब आपका रिजल्ट वाला दिन है जस्ट इमेजिन गाइस क्या लेवल का स्ट्रेस एनजाइटी एक्साइटमेंट होगी आपके अंदर मेरे अंदर तो थी वहीं पे आपने अपना हॉल टिकट नंबर डाला अपने मम्मी का नेम डाला और जैसे आपने सर्च के ऊपर दबाया वो जो घूमता रहता है ना बफर वो जो बफरिंग होती है उस टाइम पे जो हार्ट बीट होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है आपको अभी नहीं समझ में आएगा आपको बाद में समझ में आएगा ठीक है <laughs> ओके आपको बाद में समझ में आएगा वो बट गेस वॉट आपने जो परसेंटेज सोचा था आपने उससे ज़्यादा स्कोर कर लिया यू हैव स्कोर नाइन्टी प्लस नाइन्टी फाइव प्लस इन योर टेंथ बोर्ड एग्जाम्स जस्ट इमेजिन योर लेवल ऑफ हैप्पीनेस अपने पेरेंट्स के फेस की खुशी को याद करो समझो आपने अपने मम्मी को बताया आई मेरे को नाइन्टी सिक्स आए जस्ट इमेजिन गाइज जस्ट इमेजिन भाई आप हैंडसम दिख रहे हो ओह थैंक यू भाई हैंडसम तो हूं <laughs> अनुष्का क्या पूछ रही है रोहित यस डियर पढ़ाई <laughs> हो गई ना यस और सपना टूट गया <laughs> मुंबई मीटअप मुंबई मीटअप <laughs> अरे 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 <laughs> भाई क्या ही बोले ठीक है फिर ठीक है क्या टाइम हुआ साढ़े सात हो चुके हैं गाइस गाइस इसी के साथ मैं आप सभी लोगों के साथ विदा लेता हूँ ओके सो बाय गाइस सो बाय गाइस लास्ट लाइव स्ट्रीम फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स अब कल तो चिल करेंगे मैं इंस्टाग्राम की आईडी लिंक में डाल दूंगा कल सुबह कल जो वीडियो आएगी उसके डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी होगी आप जाके फॉलो कर सकते हो वहीं पे सेकंड चैनल की भी आईडी होगी आप जाके फॉलो कर सकते हो उत्तराखंड आ जाओ और सुनो आपकी टेंथ बोर्ड एग्जाम होने के बाद में इस चैनल पे क्रैक स्मार्टली के ऊपर बहुत कुछ आने वाला है आई एम गोइंग टू टेक क्रैक स्मार्टली टू द नेक्स्ट लेवल आई एम सेइंग इट पब्लिकली ओके पनवेल यार वो एक एक जगह पे तो नहीं कर सकते ना ब्रो आई गॉट वन जीरो फाइव थैंक यू ठीक है फिर बाय बाय सुमित मिस यू तो अच्छी बात है बट 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 करेंगे भाई टेंथ के बाद में भी आने वाले बहुत कुछ और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ टेंथ को सिखाऊंगा भाई पढ़ाई के बाहर भी दुनिया है आपको अभी नहीं समझ में आएगा बट आपके जो टेंथ आपके जो एजुकेशन सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम उसके बाहर भी दुनिया है लव यू टू लव यू टू लव यू टू, टू। बाय चलो एक बार मैं आप सबके नेम ले लेता हूँ मेरे को खुद को याद रहेगा ये दिन ए एम आई टी बाय जूनियर गेमर बाय रोहन सोनम बाय श्रीराम ए डी स्वानी केतन सृष्टि रोहन पार्थ टॉक्सिक बिलियनर थॉट्स राहिल सुमित सोफिया केतन डायनेमिक सुमिता सुनीता आशी आशा रुद्र सोफ़ी परी टॉक्सिक यार मैं क्यों अपसेट हो रहा हूँ मैं क्यों अपसेट हो रहा हूँ यार अब मैं रो दूंगा यार मैं रो दूँगा <laughs> मैं रो दूंगा आप आई एम गेटिंग स्लिपी आई एम इमेजिन बाय बाय एवरी वन बाय 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 मैं जी वर के देखना चाहता हूँ आप सबके चैट्स को जी वर के मेरे को मैं ब्लिंक नहीं कर पा रहा हूँ मेरी आँखों को आपके चैट्स मेरी आँखों के आगे चालू है बेस्ट ऑफ लक क्रैक स्मार्टली टेंथ यस क्रैक स्मार्टली टेंथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेस्ट ऑफ लक आपको भी आपको भी टेंथ के बाद में बहुत कुछ आने वाला है बहुत कुछ आने वाला है ठीक है फिर गाइस इट्स बिंग लॉन्ग चार महीने की जर्नी आज जाके ख़त्म होती है अब आपके बाद अब आपके लिए वीडियो सीधा बोर्ड एग्ज़ाम के बाद में आएगी कल जब आप बोर्ड एग्जाम दे के आओगे तब जाके वीडियो आएगी बाय बाय थ्री टू वन बाय एवरी